Hi, this is Ritu Ratiwal and you are with Let's Crack NEET UG. Welcome to my class, everybody. और इस क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि आपको एक बार सिर्फ NCERT पढ़ के इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब आप नीट में जाके इस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. हेलो एवरीबॉडी, इज़ एवरीबॉडी एबल टू सी मी एंड हियर मी? क्या मैं क्लास शुरू कर सकती हूँ? आर यू एबल टू सी मी एंड हियर मी? जल्दी जल्दी जवाब देंगे. हेलो, हाय, आप मुझे देख पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम, आर यू मैरिड? वाह बेटा, हेलो, ओके ओके ओके, सो यू आर एबल टू सी मी. चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर बिना किसी देरी के. देखो, माइक्रोब्स को हमेशा ही हम, जब भी हम माइक्रोब्स के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ ऐसा सोचते हैं, है ना, कि माइक्रोब्स बहुत भयानक होते हैं, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, हमें हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, हमें पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां कर देते हैं. लेकिन हम कभी भी ये वाला एस्पेक्ट माइक्रोब्स का नहीं सोचते जब वो हमें प्यार करते हैं, हमें दुलारते हैं, हमें कहते हैं आई लव यू माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू, और हमारी जिंदगियों को आसान करते हैं. बहुत सारी चीज़ें माइक्रोब्स हमारे लिए अच्छी भी करते हैं. तो इस चैप्टर में मैं तुम लोगों को ये पढ़ाऊंगी, माइक्रोब्स की अच्छाइयाँ तुम्हारे सामने पेश करूंगी ताकि तुम माइक्रोब्स को इम्पार्शियल होकर जज कर सको. ये ना सोचो कि माइक्रोब्स गंदे ही गंदे होते हैं. ओके, अगर आप नीट की तैयारी करने के लिए एक फुल प्रूफ मेथड ढूंढ रहे हैं, एक टीम ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको एक एक्सपर्ट टीम मिल जाए और उसकी गाइडेंस में आप पूरा नीट एक साल प्रिपेयर कर सकें या दो साल प्रिपेयर कर सकें और उसके बाद आपको चिंता ना हो, आप बेहिचक नीट के एग्ज़ाम में बैठें और क्लियर करके आएं, तो अनअकैडमी प्लस एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है. ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरे समेत इंडिया के 50 से भी अधिक टॉप एजुकेटर्स, एक्सपर्ट्स आपको नीट की कोचिंग देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की. यहाँ पर जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो हर रोज़ मेरी लाइव क्लासेस होती हैं. लाइव क्लासेस के साथ हर 3 क्लासेस बाद एक डाउट सेशन होता है जिसमें कि आप अपने डाउट्स मुझे फ़ोटो खींच के भेजेंगे और मैं उनका आंसर करूँगी. साथ में ही मैं आपको क्विजेस दूंगी जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसके लिए. देन साथ में अनअकैडमी की तरफ से अलग से आपको एक 720 मार्क्स की सीरीज़ मिलेगी जिसमें बिल्कुल नीट के पैटर्न पे, जो कि आप हर हफ्ते सॉल्व करोगे. ठीक है, इसी तरीके से फिजिक्स के लिए, इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए. ऑलरेडी मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिन बच्चों को नहीं पता, 2020 के लिए बेटा जी आधा ख़त्म होने वाला है क्रैश कोर्स. अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो जल्दी ले लीजिए एडमिशन. 2021 का बैच 4 या 5 जून से मैं शुरू कर रही हूँ. फाइनली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं शुरू नहीं कर पाई थी. पूरा एक साल दो साल लगातार मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी. अभी 1 ईयर बैच तो मैं अभी शुरू कर दूंगी, प्लस वन वालों के लिए, प्लस टू वालों के लिए और ड्रॉपर्स. सो आप अपनी सीटें पक्की कर लीजिए जल्द से जल्दी. आपको करना क्या है, आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ठीक है, कर ली. गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, नीट एंड एम्स कैटेगरी पर जाकर क्लिक करना है. फिर ये पूछेगा कितने समय के लिए. 1 ईयर पे आपने क्लिक किया, आपको दिखाएगा 30,000, पर अभी इसको पे मत करना. 30,000 इसको क्लिक करके 30,000 दिखाएगा तो यहाँ पे ये कोड भरेंगे RITU ऋतु. ये कोड भरते ही आपको 10% ऑफ हो जाएगा आपकी फ़ीस में. यहाँ देखिए, एक साल की फ़ीस पहले 30,000 थी, अभी 27,000 हो गई है. दो साल की फ़ीस पहले 36,000 थी, अब सिर्फ 32,000 रह गई है. समझ रहे हैं आप, इस तरीके से. चलिए चैप्टर को शुरू करता है, अच्छाई नहीं बुराई और अच्छाई के बीच में लड़ाई को सॉल्व करते हैं. देखो चैप्टर में मैं तुम्हें ओवरव्यू दे देती हूँ, तुम क्या क्या पढ़ोगे, माइक्रोब्स तुम्हारी कहाँ कहाँ मदद करेंगे और फिर उनमें हम डिटेल में बात करेंगे. आइए चलो चलते हैं. पहले तुम सबसे पहले पढ़ोगे कि माइक्रोब्स तुम्हें तुम्हारे घर में कैसे मदद करते हैं. भैया क्या तुम्हारी किचन में भी तुम्हें माइक्रोब्स हेल्प करते हैं? तो बेटा जी करते हैं. तुम्हारी मम्मी दही जमाती है तो माइक्रोब, डोसा बनाती है तो माइक्रोब की हेल्प से, ब्रेड खाते हैं हम तो माइक्रोब की हेल्प से. ठीक है, दारू तो हम तो अच्छे बच्चे नहीं पीते, पर जो लोग पीते हैं तो माइक्रोब की हेल्प से. दुनिया के सारे शराबियों का सबसे बड़ा फ्रेंड ही एक फंगस है जिसे यीस्ट कहते हैं. ठीक है, देन माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज.
आपकी मल्टी बिलियन इंडस्ट्रीज चल रही है माइक्रोब्स की मदद से। आप ये जो इतने बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स बना के बेच रहे हैं, कहाँ से मिल रहा है? फंगस से मिल रहा है आपको, ठीक है। देन आप ये जो इतने सारे केमिकल्स बेच रहे हैं मार्केट में, माइक्रोब्स से आपको वो केमिकल्स मिल रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स माइक्रोब्स से मिल रहे हैं। सो हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, देन हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। भैया ये जो इतना गंद हम रोज़ रोज़ प्रोड्यूस करते हैं ना घरों में, जो ये वॉट घर के किचन से पानी जा रहा है, बाथरूम से पानी जा रहा है, टॉयलेट से पानी जा रहा है, उनको क्लीन ऐसे तो नहीं हम रिवर में फेंक देंगे, उसको क्लीन करेंगे तो वो क्लीन भी माइक्रोब करेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ये भी हम पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट बायोगैस, हाउ माइक्रोब्स आर हेल्पिंग यू मेक बायोगैस। बेटा बायोगैस एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल है रूरल एरियाज में। देन आप पढ़ेंगे हाउ माइक्रोब्स आर एक्टिंग एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब जैसे जैसे एक एक को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये वर्ड्स का मीनिंग ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है? तुम्हें एक माइक्रोब नहीं पसंद, ठीक है, या तुम्हें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पसंद, ठीक है, तुम उसे मारने के लिए एक और ऑर्गेनिज्म उसके पीछे छोड़ दो पुलिस की तरह। तो जो ऑर्गेनिज्म तुम्हारा फ्रेंड है ना, जो उस गंदे ऑर्गेनिज्म को मार रहा है, वो बायो कंट्रोल एजेंट है। मान लो तुम्हें कॉटन बॉलवॉर्म नहीं पसंद, ठीक है, कॉटन बॉलवॉर्म एक ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉटन के प्लांट्स को ख़राब कर देता है, तो तुम उसके पीछे बैक्टीरिया छोड़ दो बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस नाम का, वो बैक्टीरिया कॉटन बॉलवॉर्म को मार देगा। तो ये बैक्टीरिया हमारा हीरो है, इन्हें हम बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं। अल्टीमेटली माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, क्या है ये हम बात करेंगे अंत में, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। चलो शुरू करें, बिना किसी देरी के शुरू करें। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, आपके घर में कहाँ माइक्रोब्स छुप कर बैठे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आइए देखो, कैटेगराइज कर लेते हैं। जो तुम दही खाते हो, जो तुम डोसा खाते हो, जो तुम चीज़ खाते हो, जो तुम ब्रेड खाते हो, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, तो सभी खाते हैं, ये सब कुछ माइक्रोब्स की वजह से खा पा रहे हो। और दही से रिलेटेड जितनी चीज़ें, दही भल्ले भी बहुत लोग मज़े से खाते हैं, तो बेटा तुम भी माइक्रोब को थैंक यू बोलो, ठीक है। देन डोसा इडली तो बहुत हम सारे ही खाते होते हैं, आप चीज़ अलग अलग प्रकार के खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, और कुछ जो अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तो नहीं फेमस बट साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, टॉडी, एक फर्मेंटेड ड्रिंक है, ठीक है जी, वो भी आपको ये माइक्रोब्स की हेल्प से बन के मिलती है। तो आप ये पाँच छः टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे। नीट में क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताती जाऊँगी, सुनते जाना। देखो पहला प्रोडक्ट है दही, कर्ड, ठीक है जी। कर्ड कैसे बनता है? आप मिल्क में थोड़ा सा दही का जामुन डाल देती है ना मम्मी, थोड़ा सा दही डाल देती है और फिर वो पूरी दही बन जाती है, तो उसको बोलते हैं इनोक्युलम। थोड़ा सा आप इनोक्युलम डाल दो तो वो कर्ड बन जाएगा। मिल्क में थोड़ा सा इनोक्युलम डाल दो तो उसमें कर्ड बन जाती है वो, है ना। अब इस इनोक्युलम में क्या होता है, जो दही थोड़ी सी जामुन डालते हैं हम, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें हजारों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, दे आर कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दही के अंदर हजारों करोड़ों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये मिल्क का पार्शियल ब्रेकडाउन कर देते हैं बेटा, मिल्क का पार्शियल ब्रेकडाउन कर देते हैं, और इसमें लैक्टिक एसिड भी मिला देते हैं। देखो नाम ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड ऐड कर देते हैं। ये पार्शियल डाइजेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो दूध नहीं पचा सकते, है ना, अगर उनको दूध पिला दो तो वो उनके लिए नहीं आसपास के लोगों के लिए भी बहुत हानिकारक हो जाता है, ऐसी ऐसी हवाएं छोड़ते हैं वो, है ना। जो लोग मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कर्ड उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी पार्शियली डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस। अच्छा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो कॉमन नाम है, इसमें से एक बैक्टीरिया जिसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिस इज लैक्टोबैसिलस। तो ये क्या करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड डाल देगा, और
एक इम्पॉर्टेंट विटामिन ऐड करता है, विटामिन B12। ये आपको याद रखना है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा विटामिन आपकी दही में ऐड करेगा? विटामिन B12, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। ऑल्सो आपके स्टमक में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया ना आ जाए, आपके ऊपर इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके लिए ये लैक्टोबैसिलस फाइट भी करता है स्टमक में जाके, हमारी तरफ से फाइट करता है। सो फाइट्स ऑफ इन्फेक्शंस इन स्टमक। तो बताओ हमारा फ्रेंड हुआ कि नहीं हुआ भैया, क्या क्या कर दिया इसने हमारे लिए? तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, दही में कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस या टोटल नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कौन सा विटामिन, विटामिन B12, और क्या फ़ायदा देता है, हमारा फाइट करता है इन्फेक्शन से। बस दही में और कुछ नहीं अपने को पढ़ना। आगे आ जाओ, इडली डोसा ब्रेड। देखो बहुत सारे खाना होता है जिसके अंदर छोटा छोटा छेद रहता है ना, छोटे जैसे ब्रेड के अंदर छोटा छोटा छेद रहता है, इडली डोसे के अंदर छोटा छोटा छेद रहता है। वो छेद क्यों होता है बेटा? एक्चुअली वो होता है जब CO2 गैस वहाँ से निकलती है तो खाने में छेद हो जाता है। अब ये CO2 गैस कहाँ से आई? ये CO2 गैस बेसिकली फर्मेंटेशन से आती है। फर्मेंटेशन तुमने नाम सुना हुआ है। देखो मान लो पहले ब्रेड की बात कर लेते हैं। तुम्हें पता है अगर कहीं पे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मान लो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, स्टार्च मिलेगा, स्टार्च को बहुत इजीली ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ग्लूकोज में अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस कर दूं तो ये पाइरूविक एसिड बन जाता है। ये किस किस को नहीं पता, कितनी बार अपन बात कर चुके हैं। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से, और इस पाइरूविक एसिड को आगे फर्दर इसकी फर्मेंटेशन करके मैं इसे तोड़ सकती हूँ C2H5OH प्लस CO2 में। ये पूरा एनरोबिक रेस्पिरेशन है, यहां से यहां तक ये पूरा एनरोबिक रेस्पिरेशन है। क्योंकि देखो मेरे बच्चों, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू रिलीज एनर्जी। तो देखो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी तो रिलीज हो रही है, लेकिन कहीं ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा, तो ये एनरोबिक रेस्पिरेशन है। हालांकि एनर्जी बहुत कम रिलीज हो रही है, पर रिलीज तो हो रही है। तो बेसिकली ये यीस्ट ये काम कर सकता है, यीस्ट एग्जैक्टली यही काम करता है, ठीक है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके C2H5 और ये अल्कोहल, दारू, इथेनॉल प्लस CO2 में ब्रेक डाउन कर सकता है। अब यीस्ट के लिए ये फालतू चीज है, C2H5 भी यूजलेस है और CO2 भी यूजलेस है, लेकिन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हम हल्का सा यीस्ट मिला देते हैं आटे में तो आटा ऐसे रेज कर जाता है, इसको बोलते हैं रेजिंग ऑफ डो, रेजिंग ऑफ डो। तो इससे क्या होता है बेटा, इसके अंदर CO2 बन रही है, ठीक है। तो अब ये ब्रेड ना, ऐसे ब्रेड में छेद छेद बनेंगे जब हम ब्रेड बनाएंगे तो, ठीक है। देखो यीस्ट ऐसा दिख रहा है, हमने स्लाइड में यीस्ट डाला है, तो देखो ये यीस्ट नजर आ रहा है और ये बडिंग नजर आ रही है यीस्ट में, देखो छोटी छोटी बर्ड्स नजर आ रही है। अब यीस्ट क्या है जिन बच्चों को नहीं पता, सुनो, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। देखो फंगस सारा का सारा मल्टीसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, लेकिन यीस्ट एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेलुलर होता है। और यीस्ट किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, यीस्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो बड़े सारे यीस्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो यीस्ट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ब्रेड बनाने के लिए, जिस यीस्ट की मैं बात कर रही हूँ, उस यीस्ट का नाम है सैकहैरोमाइसिस सेरिविसी, सैकहैरोमाइसिस सेरिविसी, क्योंकि ये ब्रेड बनाने में काम आ रहा है, तो इसको बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम अल्कोहल कहाँ गया? बेटा थोड़ा बहुत अल्कोहल बनता है, तो तुम जब ब्रेड खाते हो तुम दारू नहीं पीते हो, वो जब आप ब्रेड बेक करते हो तो वो दारू उड़ जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। तो चिंता मत करो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ब्रेड, दिस ये भी एस्केप हो जाता है, ये भी एस्केप हो जाता है, वोलेटाइल है ना अल्कोहल, ठीक है। समझ में आ गया, ब्रेड को बनाने के लिए बेसिकली यीस्ट लगता है जो कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की हेल्प से C2H5OH और CO2 में,
ठीक है, यीस्ट कौन सा है, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, जिसको बेकर यीस्ट भी कहते हैं। इडली डोसा भी सिमिलर बनता है, लेकिन उसमें हम फंगस नहीं लगाते, एक प्रकार का बैक्टीरिया डालते हैं, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया रेज करने में हेल्प करता है डो। सो इडली डोसा को थोड़ा सेपरेट रखना इससे, आई होप तुम्हें दिख रहा है ये बैक्टीरिया की हेल्प से बनता है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है जी। इडली डोसा बैक्टीरिया की हेल्प से, ब्रेड बनता है फंगस की हेल्प से। बात खत्म हो गई, अभी तक क्या पढ़ा हमने, दही पढ़ लिया हमने, ये डोसा इडली पढ़ लिया हमने, और हमने पढ़ लिया ब्रेड। आगे चलो, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात हो गई, हो गई, आओ। ये किसी साउथ इंडिया के गांव का सीन है, बंदा जा रहा है, जाओ भैया जाओ, कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है पाम के पेड़ पे, पाम के पेड़ पे चढ़ गया, ठीक है। अब देखो ये पाम को काट के इसका सैप निकालने की कोशिश कर रहा है, देखो देखो, निकालो, वेट कर लेते, थोड़ा निकाल लेने दो बच्चों, है ना। पाम का सैप निकाल लिया, अब ये पाम का सैप को, ये तो इस वीडियो में तो डायरेक्टली पिला देगा लोगों को, लेकिन एक्चुअली इसको फर्मेंट किया जा सकता है, ठीक है। पाम सैप को फर्मेंट करके, फर्मेंट तुम्हें पता है माइक्रोब की हेल्प से ही होता है, फर्मेंट करने का मतलब समझ जाते हो ना, फर्मेंट करने का मतलब क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहीं पे भी होती है तो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं, तो उसको फर्मेंट करके हम टॉडी बनाते हैं। देखो इस बंदे ने तो डायरेक्टली पी लिया, लेकिन टॉडी बना सकते थे इसकी फर्मेंट करके, समझ रहे हो। तो टॉडी अगर क्वेश्चन आ जाए तो इट इज अ साउथ इंडियन ड्रिंक, इट इज अ साउथ इंडियन ड्रिंक विच इज मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप। बस टॉडी के बारे में इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। फिर तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि भैया फिश को भी फर्मेंट कर सकते हैं, बैम्बू शूट को भी फर्मेंट कर सकते हैं, वो उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा ना, मैंने उस पर स्लाइड बनाई है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, चीज। तुमने टॉम एंड जेरी वाला चीज देखा है, हमेशा जेरी ऐसे ऐसे चीज पे रहता है जिसके ऊपर बड़े बड़े छेद होते हैं, बड़े बड़े छेद होते हैं, इसे बोलते हैं बेटा स्विश चीज, स्विश चीज, ठीक है जी। ये एक बैक्टीरिया की मदद से बनता है, ये इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है बैक्टीरिया, तभी तो इतने बड़े बड़े छेद होते हैं इस चीज में, ठीक है। अब हमको याद रखना है, शर्मा जी स्विट्जरलैंड चले गए, शर्मा जी शर्मा के स्विट्जरलैंड चले गए, तो बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई, ठीक है जी। तो स्विश चीज के लिए बैक्टीरिया लगेगा, शर्माता वो बैक्टीरिया, स्विश से स्विट्जरलैंड याद रखो ना, स्विट्जरलैंड वाले लोगों को स्विश कहते हैं ना, स्विश से स्विट्जरलैंड याद रखो, शर्मा जी स्विट्जरलैंड चले गए शर्मा के। ये वाला ये बहुत ही ऐसा लग रहा है कि देखो, ऐसा लग रहा है ना इसमें फंगस लग गई है गंदी, है ना, ये फेंकने लायक हो गया, इसमें एक्चुअली फंगस लगी हुई है। दिस इज अ चीज कॉल्ड रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट चीज, ठीक है जी। बेटा ये एक्चुअली फंगस ग्रो करते हैं इसके अंदर हम, फंगस का नाम नहीं चाहिए हमें, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी होती है, लिख सकते हो फंगस का नाम, वैसे चाहिए नहीं, पेनिसिलियम रॉक फोर्टी, ये फंगस उठा के हम फ्लेवर बनाते हैं चीज के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, रॉकफोर्ड चीज कैसे बना, फंगस से, स्विस चीज कैसे बना, बैक्टीरिया से, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, बस बहुत हो गया, किचन में सुन सुन के वैसे भूख लगने लग गया यार, दही कैसे बनता है, टॉडी कैसे बनता है, इडली डोसा कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बनता है, चीज कैसे बनता है, बहुत हो गया। आओ अब थोड़े और मजे करें हम, आओ आओ पीछे चलो थोड़ा सा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो हैं, लाओ थोड़ा पानी पी लें, रुक जाओ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो हैं जिनको बेच के आप बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हो। अब तुम बोलोगे मैडम चीज़ बेच के भी तो इंडस्ट्री चला रहे हैं, थोड़ा सेपरेट कर लो, वो थोड़े छोटे लेवल की है, ये थोड़े बड़े लेवल पे इंडस्ट्री चलाएंगे, है ना, थोड़ा सेपरेट कर लो। इसमें अपन तीन चीज़ें पढ़ेंगे, देखो वी विल टॉक अबाउट थ्री थिंग्स। दारू, जिसको तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत सभ्य तरीके से फर्मेंटेड बेवरेजेस लिख दिया है, फर्मेंटेड बेवरेजेस लिख दिया, जिसका मतलब दारू ही है बेसिकली, ठीक है। एंटीबायोटिक्स,
और अदर केमिकल्स, बायो एक्टिव एजेंट्स, ये तीन कैटेगरी दिमाग में बना लो, कॉपी में भी बना लो, काम आएगा। एसिड्स, इंजाइम्स, इनजाइम भाई, केमिकल्स, बायो एक्टिव एजेंट्स, एसिड्स, इंजाइम्स, ये एक अलग कैटेगरी बना लो। जो भी कोई नोट्स बना रहे साथ में ज़रा कॉपी में बना लो, थोड़ा काम आ जाएगा। ठीक है, देखो दारू माइक्रोब्स की हेल्प से बनती है। कैसे बनती है? अभी अभी मैं प्रोसेस बना के हटी थी। देखो कोई भी ग्लूकोज का सोर्स ले लो, ये ग्लूकोज का सोर्स कोई भी हो सकता है, ये ग्लूकोज का सोर्स वीट भी हो सकता है, तभी बोलते हैं वीट बियर, है ना, वीट बियर बोलते हैं। देन ये ग्लूकोज का सोर्स ग्रेप्स हो सकता है, ग्रेप्स से भी बियर बनती है, फ्रूट बियर, फ्रूट बियर तो खैर कुछ और होती है। देन ये सोर्स जौ भी हो सकता है, बार्ले, बार्ले की बियर बनती है, कोई भी यार, कोई भी, किसी का भी, कोई कहीं से भी आपने ग्लूकोज का सोर्स लेना है, उसको फर्मेंट कर देना है यीस्ट से। तुम्हें पता है यीस्ट क्या करता है? कौन सा वाला यीस्ट? वही सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया, क्योंकि यहाँ ये दारू बनाने में हेल्प कर रहा है, तो ब्रिवर्स यीस्ट बोल देते हैं यहाँ इसको। ब्रिवरी क्या होती है? जहाँ दारू बनती है, ब्रिवर्स यीस्ट। मेरे बच्चों, ब्रिवर्स ईस्ट और बेकर ईस्ट एक ही है, अलग अलग नहीं है, प्लीज़ ज़रा ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो तुम्हें पता है यार ये क्या, एनरोबिक फर्मेंटेशन करके, एनरोबिक रेस्पिरेशन जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, उसको करके अल्टीमेटली क्या बनाएगा? C2H5OH प्लस CO2। इस बार हमारा मेन प्रोडक्ट ये रहा दारू। ठीक है, तो इस प्रकार से दुनिया की सारी दारुएं बनती हैं। अब दिक्कत ये है कि यीस्ट जब दारू बनाता जाता है तो अपने ही दारू से मर जाता है, दारू उसके लिए टॉक्सिक है, वेस्ट मटेरियल है। तो अराउंड 13% कॉन्सेंट्रेशन ही अल्कोहल की बना पाता है नेचुरली। समझे हो क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि यार यीस्ट, मान लो मैं यीस्ट हूँ, मैं ग्लूकोज खाई जा रही हूँ, दारू बनाई जा रही हूँ, ग्लूकोज खाई जा रही हूँ, दारू बनाई जा रही हूँ। अगर ये दारू मेरे सराउंडिंग से किसी ने रिमूव नहीं करी ना, तो भैया ये मेरे लिए टॉक्सिक हो जाएगी और मैं मर जाऊँगी। कितनी कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल टॉक्सिक हो जाती है यीस्ट के लिए? वैसे तो 10-10% पे टॉक्सिक हो जाती है, 8-8% पे टॉक्सिक हो जाती है, लेकिन 8-15% आपकी बुक्स में दिया होता है, एनसीईआरटी में तो खैर दिया ही नहीं है। तो 13% माना हुआ है कि भैया जब 13% कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है अल्कोहल की, तो यीस्ट मरने लगता है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है यार, ऐसे अपने घरों में तो तुम दारू बनाते नहीं हो छोटे छोटे कंटेनर्स में, है ना, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में दारू बनती है, ग्लूकोज का सोर्स होता है, उसमें यीस्ट डाल देते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया डाल देते हैं, देखो उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स बोलते हैं। ऐसे डायग्राम्स दिए हुए हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में, बड़े बड़े। ठीक है, तो फर्मेंटर्स कुछ नहीं है, लार्ज वेसल्स हैं जिसमें कि दारू बन रही है। कोई भी चीज़ बन सकती है फर्मेंटर में यार, कोई भी इंडस्ट्रियल जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो, वो माइक्रोब की हेल्प से फर्मेंटर में बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दिक्कत ये है, बात ये है, इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा? पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि किससे बनती है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया से बनती है। दूसरा क्वेश्चन एक और चीज़ आ सकता है, उसके बारे में तुम लोगों को बता रही हूँ। तुम लोगों को पता चल गया कि नेचुरली अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन 13% से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो भैया किसी को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली दारू पीनी है तो क्या होगा उसका? तो उसके लिए आप करोगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किस लिए होता है? टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। पूरी दुनिया 13% पे थोड़े भी दारू पिएगी, थोड़ा ज़्यादा वाले भी तो पिएगी ना। तुम लोग जो बॉटल में, तुम लोग तो नहीं, तुम तो खैर बच्चे हो, कोई भी जो बॉटल में लेके आ रहा है यार, तो वो सिर्फ 13% दारू थोड़े भी लेके आएगा, 50-50% भी अल्कोहल होती है, रम मुझे नहीं पता कितनी होती है, पर होती है, बहुत ज़्यादा भी होती होगी, है ना। तो दो प्रकार की दारू आपको देखने के लिए मिलती है, डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड।
डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड दो प्रकार की, तुम समझ सकते हो, अनडिस्टिल्ड में कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी, डिस्टिल्ड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। तो अब इसको कैसे याद करें, अनडिस्टिल्ड कौन सी है, डिस्टिल्ड कौन सी, बहुत आसान है। देखो, एक भालू को दारू पीने का बहुत शौक था। भालू था, दारू भी क्लासी भालू था, कहता मैं आई डोंट ड्रिंक दिस बियर एंड ऑल, आई ड्रिंक ओनली वाइन। तो बियर वाइन पीने वाला था, ठीक है। तो ये रहा भालू, और ये रही उसकी वाइन। ठीक है, अब बेचारा भालू जब दारू पीता था तो डिस्टिलेशन के लिए कहाँ जाएगा यार, उसके पास डिस्टिलरी थोड़ी बहुत लगी हुई है। तो वो जो दारू पिएगा हमेशा अनडिस्टिल्ड पिएगा। तो अनडिस्टिल्ड हमारे पास दो एग्जांपल आ गए, बियर एंड वाइन। बाकी सारा इधर ले आओ, रम, ब्रांडी, विस्की। याद हो जाएगा बोलो, याद हो जाएगा बोलो, आगे चलूं? बस बेवरेजेस खत्म हो चुकी हैं। इसी तरीके से तुम मजे मजे में यदि पूरी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, देखो बायोलॉजी आसान है, उसमें कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कुछ तांडव कर देगा कि तुम ना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्यारे नानू नानू से चैप्टर होते हैं, बस उनको सही से समझ के नोट्स बना लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो और क्वेश्चन लगा दो, तो बायोलॉजी तुम्हें नीट में कभी परेशान नहीं करेगी तुम लोगों को, ये मेरा वादा है एज अ बायोलॉजी टीचर, नहीं करती है। तो तुम पूरा सिलेबस ऐसे पढ़ना चाहते हो प्यार से, नाजुक नाजुक तरीकों से, आराम से, तो अनकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो। 1 ईयर कोर्स मेरा शुरू होने वाला है, 4 या 5 जून से शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक मैम बोलोगे मैम डेट आगे बढ़ाती रहती हूँ, यार मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं कोर्स चला नहीं पाई, ठीक है। 4 या 5 जून से शुरू हो जाएगा 1 ईयर कोर्स। प्लस वन वाला बच्चा भी पढ़ेगा उसमें, प्लस टू भी पढ़ सकता है, ड्रॉपर भी पढ़ सकता है, प्लस वन प्लस टू दोनों पढ़ाऊंगी एक साल के अंदर। जब भी सब्सक्रिप्शन लेने जाओ कोड ज़रूर डालो रितु, RITU रितु, RITU रितु, याद कर लो, इसे फैला दो दुनिया में, हर कैटेगरी में कोड एप्लीकेबल है। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है इससे 10% का, और 10% मैक्सिमम डिस्काउंट है अनअकैडमी पे। अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेने में दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल करो, मैं तुम्हारे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डाउट्स सॉल्व कर दूंगी। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा मैम आज यूट्यूब पे क्लास क्यों नहीं लेने आई, ऐसे फ़ोन मुझे नहीं चाहिए, सीरियसली मैं बता रही हूँ, ठीक है। और ना ही ऐसे फ़ोन चाहिए मैम मेरा फ़ोन काट दिया आपने, 4 बार फ़ोन कर चुका हूँ अभी तक फ़ोन नहीं उठा रही हूँ मैम, ऐसे ये मजनू टाइप्स फ़ोन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। प्रॉपर काम के फ़ोन करो अगर सब्सक्रिप्शन लेने से कोई रिलेटेड क्वेरी है तो, ठीक है। ये इसका नोट्स तुम लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, @ritulive चैनल है टेलीग्राम पे, ये लिंक है, ये लिंक डालोगे तो वहाँ पे मिल जाता है, नोट कर लो या रिकॉर्डेड सेशन से नोट कर लेना, आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है जी, हो गया, चलो अब हो गया अपना बेवरेजेस की बात खत्म। क्या आएगा वहाँ पे, किससे बनता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी से, कितना परसेंट मैक्सिमम हो सकता है 13%, डिस्टिल्ड कौन सा है, अनडिस्टिल्ड कौन सा, बात खत्म होगी। अब आ जाओ एंटीबायोटिक पे। देखो बेटा, ये सृष्टि के जो सबसे बड़ी डिस्कवरीज है ना, एंटीबायोटिक उनमें से एक डिस्कवरी है। एंटीबायोटिक्स हैव सेव्ड द लाइव्स ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स सिंस दे हैव बीन डिस्कवर्ड। इनका नाम थोड़ा ऑपोजिट है, एंटी और बायोटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट, पर ये गंदे बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट है, बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट है मोस्टली, ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। तो जो पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था उसका नाम है पेनिसिलिन। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पेनिसिलिन डिस्कवर हो जाएगा, किसी ने कोशिश भी नहीं कर रहा था कोई पेनिसिलिन को डिस्कवर करने की, ऐसी गलती से डिस्कवर हो गया। जो गलती से डिस्कवर होती हैं चीजें उनको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। डिस्कवरी बाय चांस, ठीक है। तो एक बंदा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम से,
वो स्टेफाइलोकॉकस पे कुछ काम कर रहा था। कोकस बैक्टीरिया का नाम है, तो उगा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। स्टेफाइलोकोकस बड़े गंदे होते हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह कर देते हैं, तो उन पे कुछ काम कर रहा होगा। अब हुआ क्या कि उसने सिंक में डाला पेट्री डिश ढोने के लिए। पेट्री डिश ये होती हैं जिसपे ना बैक्टीरिया उगाते हैं, तो एगार जेल होता है उसके अंदर और उसके ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनीज उगी होती हैं। तो कुछ डिस्कार्डेड पेट्री डिश थी, उसने वो सिंक में डाल दी कि चलो कल धोऊंगा, आके थक गया होगा बेचारा। अब सुबह आया तो उस पेट्री डिश पे ऐसे एक फंगस उगा हुआ था, तो इसने कहा यार ये तो गलत है, फंगस उग गया मेरी पेट्री डिश पे, चलो कोई बात नहीं धो देता हूँ फिर भी, ऐसे ये फंगस उग रहा है ऐसे। लेकिन उसने क्या देखा, पेट्री डिश में जहां फंगस उग रहा है ना वहां पे बैक्टीरिया नहीं उग पा रहा है। जहां फंगस उग रहा है ना वहां बैक्टीरिया नहीं उग पा रहा है। बैक्टीरिया बेचारा दूर दूर है, कोई बैक्टीरियल कॉलोनी दूर दूर बची है सिर्फ, पास पास नहीं उग पा रही। ठीक है, ये बैक्टीरिया कॉलोनी। तो भैया उसने सोचा ऐसा क्या है यार, फंगस से इतना क्यों डरते हैं बैक्टीरिया। तो उसने देखा, उसने आगे रिसर्च करी कि फंगस एक्चुअली रिलीजेज अ केमिकल अराउंड इट्स कॉलोनी जिससे कि बैक्टीरिया बच बच के भागता है। इस केमिकल को एंटीबायोटिक कहा गया और यहां से फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई, जिसका नाम था, ये फंगस था पेनिसिलियम। पेनी का ई आना चाहिए भाई, एक तो स्पेलिंग का बहुत लोचा है। पेनिसिलियम नॉटेटम, जिससे कि पहली बार पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ। हालांकि कमर्शियल रूप से देखा जाए तो पेनिसिलियम नॉटेटम से कोई भी पेनिसिलिन नहीं निकालता है। कमर्शियली कहां से निकालते हैं हम, अभी याद करा रहे हैं, रुक जाओ। कमर्शियली अभी कहां से निकालते हैं हम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। क्राइसो जेनम से, ठीक है। ऐसा क्यों देखिए देखिए, नॉटेटम का प्रोड्यूस अच्छा नहीं होगा ना, नॉटेटम से जो क्वांटिटी ऑफ पेनिसिलियम निकलता होगा कमर्शियली सही नहीं होगा वो। तो मतलब हम ऐसे याद करेंगे कि नॉटी ज्यादा था, नॉटी ज्यादा था। नॉटी कौन होते हैं, शैतान होते हैं ना। नॉटी ज्यादा था तो इसे नहीं निकालते हम, तो किससे निकालते हैं हम, किसका वो करते हैं हम शोषण, क्राइसोजेनम का। देखो ये रोता रहता है, क्राई पहले ही रो रहा है, क्यों रो रहा है यार, ज्यादा शोषण हो गया होगा ना, ज्यादा पेनिसिलियम निकालते तो आप कमर्शियली पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से निकालते हैं। ठीक है, पहली बात तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए, साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहा था ये पता होना चाहिए। देन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक डिस्कवर तो कर ली, लेकिन उनका फुल असर कि भैया दुनिया के लिए वो क्या कर सकता है, एलेक्जेंडर ने डिस्कवर नहीं किया। इट्स फुल पोटेंशियल वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉज डिस्कवर्ड बाय, समझ रहे हो भैया, करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाने का यार कोई बंदा है, कट लग गया, चोट लग गया, खासकर वर्ल्ड वॉर टू में। वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर टू यार, वर्ल्ड वॉर में कैसे लोग मरते हैं यार, ऐसे गली के कुत्तों की तरह लोग मर रहे हैं, हाथ कट रहे, पैर कट रहे, इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन से लोगों की जान जा रही है। आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं कर पा रहा है, कितना करोड़ लोगों की जान बच गई। तो इसका फुल पोटेंशियल वॉज डिस्कवर्ड बाय चेन एंड फ्लोरे, अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरे। ठीक है जी, आगे जाके फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे को नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। नोबेल प्राइज मिला, ईयर चेक कर लेना, मैं ईयर चेक कर देती हूँ एक बार, रुको एनसीईआरटी में, रुक जाओ। 1945, 1945 वर्ल्ड वॉर टू कब खत्म हुआ था, आई थिंक 1944 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था। 1945 में, मतलब अपनी आज़ादी से 2 साल पहले इनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, फुल पोटेंशियल किसने डिस्कवर किया था, इस ये भैया नोबेल प्राइज किसको मिल सकता है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, किसने डिस्कवर करी, कौन सी स्पीशीज से डिस्कवर करी, ठीक है जी। फिर उसका फुल पोटेंशियल किसने निकाला, फिर किसको नोबेल प्राइज मिला, ये क्वेश्चन बन सकते हैं एंटीबायोटिक से। आगे चल रही हूँ,
एंटीबायोटिक हो चुका है पूरा, आ जाओ। अगली कैटेगरी है जिसमें आप और केमिकल्स पढ़ोगे, ये तो एक तो इंडस्ट्रियल एक्शन में क्या क्या पढ़ लिया, दारू पढ़ ली, एंटीबायोटिक पढ़ लिया। अब अगला है कुछ एसिड्स बनाने हैं कमर्शली, कुछ इंजाइम्स बनाने हैं कमर्शली, कुछ बायो एक्टिव एजेंट बनाने हैं कमर्शली, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। आओ, चार पांच एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड बनाना है हमने, एसिटिक एसिड, लैक्टिक, और कौन सा बनाना है, तीन के सोर्स याद करने। बहुत आसान है, देखो नाम से पता चल जाएगा कौन सा किसका सोर्स है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, नाम से पता चल रहा है बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, ये वही लैक्टोबैसिलस है जो दही बनाने के काम आया था। ब्यूटायरिक एसिड क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, ब्यूटाइल, लो मैं ही चेक कर लेती हूँ स्पेलिंग, रुक जाओ, कभी कभी स्पेलिंग में लोचा कर देती हूँ बच्चों में। ब्यूटाइलिकम सही है, ब्यूटाइलिकम, देखो नाम से पता चल रहा है, ये है तीसरे वाला, नाम से नहीं पता चल रहा। तो अपन इसको कैसे याद करना है, सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, तो तुमने ऐसे इमेजिन करना है कि नाइजीरिया नाम के देश में नींबू की नदियां बहती हैं, नाइजीरिया नाम के देश में नींबू की नदियां बहती हैं, सिट्रिक एसिड की नदियां बहती हैं, क्योंकि ये है एस्परजिलस नाइजर। हो जाएगा, सिट्रिक एसिड नींबू, नाइजीरिया नाम के देश में नींबू की नदियां बहती हैं, ऐसे याद रख लो। और ये अकेला फंगस है बेटा, ये अकेला फंगस है, बाकी ये तीनों बैक्टीरिया हैं। तो जरा ये भी ध्यान रखना कि किसका कौन सा सोर्स है। हो जाएगा, बोलो ये पेज, आगे चले, आगे चले, बोलो। एसिड हो गया, इंजाइम्स पे आ जाओ बेटा। देखो इंजाइम के सोर्स नहीं बताए हुए एनसीईआरटी में, तो अपन ने सोर्स नहीं करने, दो तीन इंजाइम बताए हुए हैं, उनके यूज बताए हुए हैं, ठीक है। अच्छा एक वो भी बताया हुआ है कि इथेनॉल, हालांकि इथेनॉल एसिड नहीं है, लेकिन इथेनॉल भी बताया हुआ है कि यीस्ट से मिलता है, वो तो कोई नहीं अपने को पता ही है, यीस्ट से मिलता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविस से मिलता है, तो ये अलग से दिया हुआ है उसमें। आगे आ जाओ इंजाइम में, देखो उन्होंने कहा लाइपेज इंजाइम, यार देखो लाइपेज क्या तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड कहाँ चाहिए तुम्हें, क्यों तोड़ना है, तुम जब खाते हो तो तुम्हारे सब यहाँ से लग के कपड़ों में लग जाता है, तो तेल वाली चीज़ें हैं, है ना, तो बेटा वो तेल वाली चीज़ों को रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट के अंदर लाइपेज होता है, ताकि आपने जो कपड़ों पर लगा लिया उस लिपिड को हटाया जा सके। तो लाइपेज आपको डिटर्जेंट में मिलता है, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, कहाँ से मिलता है ये नहीं दिया हुआ, ना ही अपने को चाहिए। देन फ्रूट जूसेस में, फ्रूट जूसेस में यार तुम इमेजिन करो, फ्रेश फ्रूट का तुम जूस निकाल रहे हो, तो उसमें फ्रूट के सेल्स भी आएंगे, है ना, बहुत सारी और भी चीजें आएंगी, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा आप पेक्टिनेज डाल दो, क्योंकि पेक्टिन होता है ना सेल वॉल में, सेलुलोज के साथ हल्का हल्का पेक्टिन होता है, तो पेक्टिन को डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि सेल्स आपस में जुड़े ना रह जाएं, पेक्टिनेज डाल दो, थोड़ा प्रोटीएज डाल दो, ये दोनों इंजाइम्स आपके फ्रूट जूसेस में यूज होते हैं। कहाँ से मिलते हैं, नहीं दिया हुआ सोर्स एनसीईआरटी में, नहीं चाहिए अपने को, बस यही करना है इंजाइम्स में। चलो कोई कुछ है नहीं इसमें, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो ये है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये क्या बनाया हुआ, एक बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं बायो एक्टिव एजेंट से, तो थोड़ा सा ध्यान से। एक बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है, तो बेटा सबसे पहले अगर आप हार्ट अटैक के पेशेंट को लेके जाते हो, तो डॉक्टर कहता है इनको स्ट्रेप्टोमाइसिन दीजिए,
अरे स्ट्रेप्टोमाइसिन तो मैं गलत बोल रही हूँ, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो एंटीबायोटिक होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में, स्ट्रेप्टोकाइनेस दीजिए, स्ट्रेप्टोकाइनेस दीजिए। क्या करेगा स्ट्रेप्टोकाइनेस? देखो यार, हार्ट अटैक कब आता है? जब हार्ट को पूरी ब्लड सप्लाई ना मिल रही हो। हार्ट की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? एक आर्टरी होती है जिसे कॉरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो कॉरोनरी आर्टरी के अंदर अगर कोई क्लॉट बना हुआ हो, क्लॉट समझते हो कोई भी चीज जो फंस के उसके ब्लड फ्लो को रोक दे, तो ब्लड यहां से नहीं आ पाएगा और हार्ट अटैक आ रहा होगा। तो इस क्लॉट को तोड़ने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का केमिकल दिया जाता है। इट इज अ क्लॉट बस्टर, और ये मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से ये याद रखना है, ये याद रखना मेरी राह तक ना, ये याद रख लेना, नीट में आ सकता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस पहला बायोएक्टिव एजेंट, कहाँ से मिलता है, क्या काम करता है, सब कुछ पता होना चाहिए। सेकंड बायोएक्टिव एजेंट, आपको याद है आपकी हो गई खराब किडनी, या आगे बनाती हूँ थोड़ा सा, थोड़ा साफ साफ बना लेते हैं, क्यों गंद मचाना है। आओ आ गया, ओ जगह ही नहीं, आ गया, यहीं पे बनाना पड़ेगा। आपकी हो गई खराब किडनी, सेकंड आपकी तो क्यों हो, भगवान ना करे किसी और की खराब हो गई, तो किसी और के डोनर ने लेके, किसी और से डोनेट करके किडनी ली, किसी और की किडनी ली, तो हमारी बॉडी रिजेक्ट करती है दूसरे ऑर्गन्स को, रिजेक्ट मारती है। तो भैया रिजेक्ट ना मारे उसके लिए हम इम्यूनो सप्रेसेंट खाते हैं, खाते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए, इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए और ये किडनी हम एक्सेप्ट कर ले हमारी बॉडी। और खासकर कौन सी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए, क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिन बच्चों को नहीं पता, दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो कभी भी ह्यूमन बॉडी के सेल्स को रिजेक्ट नहीं करती, वो बैक्टीरिया को पकड़ती है, ठीक है। अगर देखो दूसरे की किडनी भी तो ह्यूमन सेल से ही बनी है ना, ह्यूमन सेल से ही बनी है ना, तो ह्यूमन सेल को रिजेक्ट करने के लिए होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। किससे आती है ये? टी लिम्फोसाइट से। तो ये इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए आप इम्यूनो सप्रेसेंट खाते हो। कौन सा इम्यूनो सप्रेसेंट खाते हो? साइक्लो स्पोरिन ए, जो कि आपको एक फंगस से मिलता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो यहां से याद हो जाएगा, स्पोर स्पोर से याद हो जाएगा, है ना, स्पोर स्पोर से याद हो जाएगा, ये याद करना है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसेंट होता है जो कि ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने के काम आता है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, अब यहीं पे बनाना पड़ेगा, जगह है नहीं बच्चों, यहीं बना देते हैं, लाओ यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग के लिए एक यीस्ट है। देखो ये भी यीस्ट है, यीस्ट है मतलब सिंगल सेल्ड फंगस है, लेकिन ये यीस्ट का नाम अलग है, मोनास्कस परप्यूरियस है इस यीस्ट का नाम, मोनास्कस पुरपुरियस। ऐसे स्पेलिंग लिखने के लिए, मेरे को याद करने के लिए पुरपुरियस से याद करना पड़ता है, इट इज अ यीस्ट। तो ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसको स्टैटिन बोलते हैं, स्टैटिन बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लेवल को रोक देता है, नीचे कर देता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करने के लिए मोनास्कर परप्यूरियस से स्टैटिन निकलता है, उसको हम यूज़ करते हैं। इसको याद कैसे करना है? बहुत आसान है, मैं तुम्हें याद करा दूंगी। पुरपुरियस से क्या याद आता है तुम्हें? मुझे तो पूरी याद आती है, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, बट मुझे आती है पूरी याद। तो एक पूरी ले लो, मम्मी जो पूरी बनाती है, हलवा पूरी वाली पूरी। अब हमें पता है कि पूरी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो कोई फिक्र नॉट, पूरी के ऊपर थोड़ा सा स्टैटिन रख लो,
पूरी के ऊपर थोड़ा स्टैटिन रख लो, तो इससे क्या है पूरी भी खा लोगे और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। ये ट्रिक से हम क्या याद कर सकते हैं, पूरी से पुरपुरिया से याद कर सकते हैं, पुरपुरिया से स्टैटिन निकल रहा है कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली ड्रग। तीनों याद हो जाएंगे, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलूं? तीनों याद हो जाएंगे, बोलो बोलो, आगे चल रहे हैं? रुको पानी पीने दो। आगे आ जाओ, खत्म। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में खत्म, इंडस्ट्रीज में खत्म। इंडस्ट्रीज में तीन पढ़ लिया अपने, किस किस को? फर्मेंटेशन पढ़ लिया, एंटीबायोटिक सॉरी एल्कोहलिक बेवरेजेस पढ़ लिया, एंटीबायोटिक पढ़ लिया, और ये केमिकल केमिकल इंपॉर्टेंट केमिकल्स पढ़ लिए जिसमें बायो एक्टिव एजेंट भी था एक। बात हो गई खत्म। अब नेक्स्ट, और हमारा माइक्रोब कहाँ हमें मदद करता है? देखो, इतना गंदा पानी तुम प्रोड्यूस करते हो, सीवेज प्रोड्यूस करते हो, सीवेज में क्या क्या आ गया? तुम्हारा किचन से पानी, तुम्हारे बाथरूम से पानी, तुम्हारे टॉयलेट से पानी, जिसमें तुम्हें पता है क्या है, प्लस बहुत सारे माइक्रोब गंदे गंदे, ठीक है? ये सारा पानी आके क्या करें, हम क्या करें, इसमें डाल दें, रिवर में डाल दें? कोई हम लोगों को तमीज़ नहीं है, हैं? रिवर में और बच्चे जो हैं नहाते हैं, औरतें पीने का पानी भरती हैं, उनके प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो कभी भी डायरेक्टली नहीं डालते। सीवेज को आप हमेशा पहले लेके जाइए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में, ये कभी नहीं करेंगे आप, यू कैन नॉट डू दिस। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और फिर यहां से निकाल के इस, जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लान से जब पानी ट्रीट हो जाए, उसके बाद आप ये पानी रिवर में डालिए, उससे पहले नहीं, ठीक है जी? बेटा आजकल बहुत ज़्यादा जोर है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के लिए, क्योंकि गंगा यमुना इतनी गंदी हो चुकी है, हमने गंद भर दिया है उनके अंदर, तो इसलिए गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान के नाम में, आप नाम सुना होगा आपने, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये सब कुछ नहीं है। ये प्लान्स में यही है कि भैया बहुत सारे एसटीपीज लगाओ और गंगा और यमुना में डायरेक्टली पानी मत जाने दो, और कुछ नहीं है, ठीक है? गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान यही है, ठीक है? अब एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का हम लेआउट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे मैं कराऊंगी, अगर तुमने याद कर लिया तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, यदि फालतू इधर उधर दिमाग लगाओगे मैंने इस बुक से पढ़ा है, इस बुक से पढ़ा है, कुछ नहीं है, जो एनसीईआरटी से है क्वेश्चन वहीं से ही आएगा, तो सुनो। दो होते हैं इसमें पार्ट्स, आपकी ट्रीटमेंट के दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट, और यहाँ पे सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नाम से पता चल रहा है, अगर हम एसटीपी पढ़ रहे हैं मतलब माइक्रोब्स का रोल तो कुछ ना कुछ है ही है। देखो, एक स्लाइड में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा यदि तुम ध्यान से सुनोगे तो। प्राइमरी ट्रीटमेंट, पी से प्राइमरी, पी से फिजिकल, हमेशा फिजिकल ट्रीटमेंट होती है। मतलब इसमें माइक्रोब का कोई रोल नहीं है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, नाम से पता चल रहा है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो मतलब इसमें माइक्रोब का रोल है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? जो तुम्हारा सीवेज आया है, अरे आ जा भाई, क्या दिक्कत है, जो तुम्हारा सीवेज आया है गंदे गंदे ऑर्गेनिक मैटर, इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर, पत्थर, मिट्टी, पॉलिथिन,
ये सब आया हुआ है उसमें, पॉटी, माइक्रोब, सब कुछ तैर रहा है, मस्त होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें दो फिजिकल स्टेप्स करेंगे। दो फिजिकल स्टेप्स क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम फिल्ट्रेशन के लिए रख देंगे। क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। पहला फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है यार, पानी फिल्टर होता है, जैसे अपने फिल्टर में जो भी कोई मोटी मोटी चीज़ है वो रह जाएगी, जैसे कोई जो तैरने वाली चीज़ है, बाकी जो लिक्विड है प्लस उसमें जो मिक्स चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी। तो जो रुक जाओ, एक सही वर्ड बताती हूँ तुम्हें, रुक जाओ, सही वर्ड बताती हूँ तुम्हें फिल्ट्रेशन वाला, फ्लोटिंग डेब्रिस। फ्लोटिंग डेब्रिस तुम्हारा यहां से निकल गया, तैरने वाला कूड़ा। तुम्हारी एनसीईआरटी में सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन लिखा है, उससे डरना नहीं है। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कुछ नहीं है बेटा, बड़ा सारा सीक्वेंस में कई बार फिल्टर कर दो। तो जो भी ऊपर तैरने वाला कूड़ा है वो हट गया, जैसे कि फ्लोटिंग डेब्रिस में क्या आ गया, जैसे यार पॉलिथीन आ गया तुम्हारा, है ना, पॉलिथीन तैर रहा है, और भी कोई चीज जो तैर रही है, तैरने वाला कूड़ा सारा हटा दिया। फिर अगला स्टेप है सेडिमेंटेशन। स्टेप वन इज फिल्ट्रेशन, स्टेप टू इज सेडिमेंटेशन। देखो अभी जो ऊपर तैरने वाला था वो फिल्ट्रेशन से हटा दिया, जो नीचे बैठने वाला है अब वो सेडिमेंटेशन से बैठ जाएगा। तो बेटा जी यहाँ पे नीचे बहुत सारे चीज़ें बैठ जाएंगी, नीचे सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, स्टोन्स होगा, मिट्टी होगी, मड होगी, पेबल्स होंगे, जो भी चीज़ें नीचे बैठने की थी सेडिमेंटेशन में नीचे बैठ गई, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, जो नीचे बैठ गया। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। तो ऊपर ऊपर तैरने वाली चीजें हटा दी और नीचे बैठने वाली चीजें हटा दी। प्राइमरी स्लज में कुछ ज्यादा हानिकारक चीज है नहीं, पत्थर मिट्टी है, कोई बात नहीं, फेंक दो बाहर। अब जो ये पानी यहां बचा वो है डेंजरस, इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, इसके अंदर क्या है, माइक्रोब है, इसके अंदर पॉटी है, सब कुछ इट इज देयर। तो इसको बोलते हैं हम एफ्लुएंट, एफ्लुएंट या सुप्रनाटेंट। ठीक है जी, प्राइमरी ट्रीटमेंट यहां खत्म हो चुकी है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से। ठीक है, ऊपर ऊपर वाला, नीचे नीचे वाला, बीच वाला बच गया, बीच वाले में है मेन चीज जो हमें खत्म करनी है। तो बेटा जी वो इधर चला गया, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आ गया। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भी दो टैंक्स हैं, एक आधा नहीं, दो टैंक्स हैं। देर आर टू टैंक्स हियर, देर इज वन टैंक हियर। एंड देर इज वन टैंक हियर। जब ये पानी इसमें आया तो बेटा जी इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर था, तो हम इसके ऊपर बहुत सारा एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ देंगे। क्यों बैक्टीरिया क्यों छोड़ देंगे, देखो अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया तो छोड़ना ही है, बहुत सारा बैक्टीरिया छोड़ देंगे। बैक्टीरिया क्या करेगा, इस ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा। आम नाम 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 नाम, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को खा रहा है। क्यों खा रहा है, क्योंकि भैया बैक्टीरिया की तो डाइट ही ऑर्गेनिक मैटर है। तो हमारा ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, अका यू अंडरस्टैंड, एक्सक्रीटा एंड एवरीथिंग, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको बैक्टीरिया खा के पानी को साफ करने लगता है। तो ये तो अच्छा बैक्टीरिया हो गया, गुड बैक्टीरिया, दीज आर एक्चुअली गुड बैक्टीरिया, वेरी गुड बैक्टीरिया, जो कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर खा रहे हैं। प्लस ये एरोबिक बैक्टीरिया, दीज आर एरोबिक बैक्टीरिया, तो इनके लिए एयर भी रिलीज करो बेटा, बहुत सारी एयर डालो इस टैंक में, भर भर के एयर डालो ताकि अच्छे से ग्रो कर सके। इस टैंक का नाम बोलते हैं हम एरेशन टैंक, एरेशन टैंक। ठीक है भैया, समझ रहे हो ना, ऑर्गेनिक मैटर यहां पे खत्म कर दिया। देखो तुम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, बीओडी का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
आगे भी काम आएगा बहुत। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। देखो ये क्या है, 1 लीटर गंदा पानी ले लो बेटा, ले लो 1 लीटर पानी ले लो, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, वाटर ले लो, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक प्लस कुछ ऑर्गेनिक मैटर होगा। इसमें एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दो, इस वाटर में एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ दो, तो बेटा देखो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर यहाँ होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा एरोबिक बैक्टीरिया को उस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब जितना ऑर्गेनिक मैटर, जितना गंदा तुम्हारा पानी, उतना ज्यादा बैक्टीरिया को टाइम लगेगा, जितना ज्यादा बैक्टीरिया को टाइम लगेगा उतनी ही ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, ये ऑक्सीजन भी तो उतनी कंज्यूम करेगा ना, ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए भी तो इसको ऑक्सीजन चाहिए ना, रेस्पिरेशन तो इसको करते रहनी पड़ेगी ना, ठीक है, रेस्पिरेशन ही तो कर रहा है। ऑर्गेनिक मैटर को खाने का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन ही तो कर रहा है ना, रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर टू फॉर्म एटीपी। तो बेटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज the organic matter in 1 liter water। जिनको नहीं समझ में आया दोबारा सुनो, जो बच्चा थोड़ा धीरे समझ रहा है दोबारा सुनो, क्या बोली मैं दोबारा सुनो, 1 लीटर पानी ले लो, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइज मत करना है मतलब ब्रेक डाउन करना है, तो कौन ऑक्सीडाइज करेगा, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब ही रेस्पिरेशन है। जिन बच्चों को नहीं पता ऑक्सीडाइज करना क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन ऐड करना, ऑक्सीजन ऐड क्यों कर रहा है, मैं बैक्टीरिया हूँ मान लो, ये ऑर्गेनिक मैटर है, तो मैं इसमें ऑक्सीजन क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि मैं इस ऑक्सीजन ऐड करके इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ दूँ और इसमें से एनर्जी निकाल दूँ, और क्योंकि मैं ऑक्सीजन की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ रहा हूँ और एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो मैं एरोबिक बैक्टीरिया हो गया, है ना। तो एक बैक्टीरिया को जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा यहाँ पे, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी उसे तोड़ने के लिए। तो बेटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर, मतलब कि जितना गंदा पानी उतनी हाई BOD उस पानी की, जितना गंदा पानी उतनी हाई BOD, समझ रहे हो, और जितना बैक्टीरिया काम करेगा उतना BOD उसका कम करता जाएगा वाटर का। तो यही तो हो रहा है वहां पे, देखो यही तो हो रहा है, ये बैक्टीरिया खा खा के, ऑर्गेनिक मैटर को खा खा के ये बैक्टीरिया ग्रो करता जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से BOD को कम करता जा रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करता जा रहा है, क्यों, ऑर्गेनिक मैटर को खाता जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बैक्टीरिया के ना ग्रुप्स बनेंगे यहाँ पे, ऐसे बैक्टीरिया के कुछ ग्रुप्स बनेंगे ऐसे, जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा ग्रुप्स बनेंगे, और इस बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ फंगल हाइफा भी होगा, बीच बीच में कुछ फंगस के ऐसे हाइफा भी पड़े होंगे, तो इन ग्रुप्स को बेटा फ्लॉक्स कहते हैं, डरना नहीं है, फ्लॉक्स कुछ नहीं है, बैक्टीरिया का ग्रुप है और उसके बीच में फंगल हाइफा पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रुप है, फंगल हाइफा है, ठीक है जी। अब बेटा अंत में क्या हुआ, यहाँ से जो पानी था, ये जो पानी था ये बिल्कुल क्लीन हो गया, क्या हो गया हाँ जी सॉरी ये बिल्कुल क्लीन हो गया पानी। अब देखो ये बैक्टीरिया को तो शाबाशी मिलनी चाहिए, बैक्टीरिया खुश कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, पूरा पानी साफ कर दिया है ना, सारी ऑर्गेनिक मैटर को खा दिया, अब हमारा काम हो चुका है, देखो हमें यही करना था ना,
हमें बेसिकली वाटर से ऑर्गेनिक मैटर हटाना था ना, तो ये हमारे एरोबिक बैक्टीरिया ने हटा दिया। अब इनको शाबाशी देने का वक्त है, इनको मेडल देने का वक्त है, इनको इनके ऊपर फूल मालाएं चढ़ाने का वक्त है। लेकिन फूल मालाएं चढ़ेंगी तो इनकी, लेकिन इनकी डेड बॉडी के ऊपर चढ़ेंगी। अब देखो हम ह्यूमंस कितने ख़राब हैं। इस वाटर को, अब ये साफ वाटर को हम लेके चले जाते हैं इस टैंक में। अब ये ऊपर पानी हो गया, ठीक है, और इसको सेडिमेंट, आराम से सेडिमेंट होने के लिए मदद करते हैं। ये बैक्टीरिया पूरा नीचे सेटल हो गया, जो अच्छे वाला बैक्टीरिया था वो नीचे सेटल हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। क्या है ये एक्टिवेटेड स्लज? क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया है यहाँ पे नीचे जो सेटल हो चुका है, एरोबिक बैक्टीरिया है। अब एरोबिक बैक्टीरिया आराम कर रहा है ना, अपना काम करने के बाद आराम कर रहा है ना, आराम से बैठ गया। अब ये पानी तो बिल्कुल साफ हो गया, अब इस पानी को तुम निकाल दो, रिवर पे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, टू द रिवर भेज दो इसको। समझ रहे, दिख रहा है, ये जो अब एफ्लुएंट है इसको रिवर पे भेज दो, पानी खाली कर दो, सारा खाली हो गया। अब इनको पुरस्कार दो, क्या पुरस्कार दोगे? अब इनके ऊपर छोड़ दो एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया, ताकि ये इसको डाइजेस्ट कर जाए, खा जाए, काम होते इन्हें मौत के घाट उतार दो एनएरोबिक बैक्टीरिया आके। क्यों भैया, क्या करेंगे इतने एरोबिक बैक्टीरिया का? हम सजाएंगे, म्यूजियम में रखेंगे? नहीं ना, तो अपना काम करवाओ इस टैंक में, और यहाँ पे फिर एरेशन टैंक में अपना काम कराओ, यहाँ पे दूसरे टैंक में। इसको बोलते हैं एनएरोबिक डाइजेस्टर, कुछ ऐसे बोलते हैं, रुको, एनसीईआरटी में टर्म दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। तो बेटा जी ये एनएरोबिक है, क्योंकि एयर तो यहाँ पे आ नहीं रही है, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया से ये जो स्लज है हमने डाइजेस्ट करा दी, मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। और यहाँ से कुछ गैसेस निकली, जब मौत के घाट निकला तो यहाँ से कुछ गैसेस निकली, बायोगैस निकलेगी बेटा, CH4 निकलेगा, क्योंकि एनएरोबिक बैक्टीरिया बायोगैस बनाता है, CH4 बनाएगा, CO2 बनाएगा, H2S बनाएगा, थोड़ा H2 बना देगा, बायोगैस निकली। तो यहाँ पे भी हमने अपना फ़ायदा कर लिया, बायोगैस बना लिया, ठीक है। थोड़े से बैक्टीरिया को जिंदा रखेंगे हम यहाँ पे, क्यों रखेंगे? थोड़े से बैक्टीरिया को जिंदा रखेंगे यहाँ पे, क्यों? ताकि जब अगली बार पानी यहाँ से आए, जब अगली बार यहाँ से पानी आए, तो ये बैक्टीरिया वापस भी तो डालना है ना यहाँ पे। थोड़ा और अच्छे कलर में बना देती हूँ, ये बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया दोबारा से वापस यहाँ पे भी तो डालना है, ताकि यहाँ पे दोबारा से ग्रो कर सके, इनोक्यूल, जैसे दही जमाने के लिए डालते हैं। समझ में आया? किस किस को समझ में आया बोलो? सीवेज प्लांट किस किस को समझ में आया बेटा बोलो? हाँ हाँ हाँ, समराइज कर रहे हैं, रुक जाओ, समराइज कर रहे हैं, लाओ समराइज कर देती हूँ, जिन जिन बच्चों के दिमाग में नहीं घुसा है, समराइज कर रही हूँ, सुनो। आसान है, कुछ नहीं है, सुनो। गंदे पानी को साफ पानी तक ले जाने के सफर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, ये बात समझे हो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दो हिस्से हैं, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कभी भी माइक्रोब्स का यूज कतई ही मत करना। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट करना मेरे बच्चों। फिजिकल ट्रीटमेंट क्या है? जो उड़ती उड़ती चीज़ें हैं, फ्लोटिंग डेब्रेस है, उनको फिल्ट्रेशन से निकाल लो। जो भारी चीज़ें हैं उनको सेडिमेंटेशन से नीचे सेडिमेंट कर दो। बस प्राइमरी ट्रीटमेंट में यही करना है। नया नया सीवेज आया, गंदी चीज़ों को या तो फिल्टर कर दो, ऊपर ऊपर तैरने वाली चीज़ों को, या भारी चीज़ों को सेडिमेंट कर दो, बस प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई माइक्रोब नहीं। जो पानी बचा फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद, उसको एफ्लुएंट बोलेंगे। अब वो आएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट अका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। यहां पे भी दो पार्ट्स हैं, एक एरेशन टैंक, एक एनएरोबिक डाइजेशन टैंक। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एरेशन टैंक में क्या होगा? जो यहां से एफ्लुएंट आया वो यहां आ गया। अब इस एफ्लुएंट में बहुत गंदा गंदा ऑर्गेनिक मैटर है। बेसिकली तो तुम उस ऑर्गेनिक मैटर को ही साफ करना चाहते हो ना, उस ऑर्गेनिक मैटर को ही साफ करना चाहते हो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काहे लगाया है? इसीलिए लगाया है।
तो इस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दो, एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दो और एरेशन, बहुत सारी एयर डाल दो इसमें। तो बेटा ये बैक्टीरिया सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर को खा लेगा, ठीक है। बैक्टीरिया के बड़े बड़े गुच्छे बन जाएंगे, खा खा के बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा, इतने बड़े बड़े गुच्छे बन जाएंगे, इन्हें फ्लॉक्स कहेंगे। सारा ऑर्गेनिक मैटर खा लिया, पानी बिल्कुल साफ हो गया। अब इस पानी को लेके जाओ अगले टैंक में, यहाँ से इस पानी को थोड़ी देर रोक रुक जाओ। पानी को रुकने से यहाँ से ये जो बैक्टीरिया के जो फ्लॉक्स बने थे ना एरोबिक बैक्टीरिया के, वो नीचे सेटल हो जाएंगे यहाँ पे। ये रहे, ये सेटल्ड है एरोबिक बैक्टीरिया, देखो लिखा हुआ है एरोबिक बैक्टीरिया सेटल हो गया। जो पानी था साफ सुथरा उसको रिवर में छोड़ दो, जो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में पानी गया है अब उसमें कुछ नहीं करना, वो साफ हो चुका है पानी, वो पानी को रिवर में छोड़ दो। अब जो एरोबिक बैक्टीरिया नीचे बैठा है, उन्होंने जो हमारी हेल्प की थी यहाँ पे एरेशन टैंक में, अब उनको उसका पर वो दो पुरस्कार दो, क्या दो, इनके ऊपर एनएरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दो। एनएरोबिक बैक्टीरिया सारे एरोबिक बैक्टीरिया को खा जाएंगे, तो एरोबिक बैक्टीरिया को रखने की कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हुई हमें कि इन्हें कहाँ रखें। सारा एरोबिक बैक्टीरिया खा लिया एनएरोबिक बैक्टीरिया ने, फ़ायदा क्या हुआ, हमें बायोगैस मिल गई यहाँ से, तो यहाँ पे भी हमने अपना फ़ायदा कर लिया, ठीक है। इस तरीके से बायोगैस, ये सॉरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा हुआ। पहले फिजिकल, सेकंड एरेशन टैंक, ऑर्गेनिक मैटर खा लिया सारा का सारा, अगला एनएरोबिक टैंक जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया। पानी तो यहीं साफ हो चुका है, बस पानी तो एक बार थोड़ा सा सेडिमेंट कराना था, पानी तो हमने रिवर में बाहर भेज दिया, बस जो एरोबिक बैक्टीरिया बचे वो हमने एनएरोबिक बैक्टीरिया से खिला के बायोगैस निकलवा ली। समझ में आ गया, बोलो। वेरी गुड, सही है। चलो जी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ आपका सफर पूरा हुआ, बीओडी आपको पता है क्या है। अच्छा जी, आगे चलें, खत्म होने वाला अब तो चैप्टर कुछ बचा ही नहीं है। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, देखो हम किसी को नहीं छोड़ते, जो ह्यूमंस के यूज में आ सकता है हम उसका यूज लेते हैं। देखो गाय को ही लगा लो, गाय हमारी माता है। गाय को हम माता क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए यूजफुल है भैया। ह्यूमंस इतने सेल्फिश है ना, किसी को अपनी माँ ना बोलें जब तक कि उनके यूज़ में नहीं आए, ठीक है। तो भैया गाय हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए हम बोलते रहते हैं गाय हमारी माता है, और कोई बात नहीं है। ये काऊ है, गाय से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। कुछ लोग गाय को खाते भी हैं, मीट भी मिलता है, चलो जो भी है। अंत में गाय के गोबर को भी नहीं हम छोड़ते, गाय का गोबर को भी नहीं हम छोड़ते, इसको हम बायोगैस प्लांट में ले जाके, बायोगैस प्लांट में ले जाके इससे मीथेन बनाते हैं। मीथेन एक फ्यूल है, और फिर वो लोगों के घरों में देते हैं, फिर उससे रोटियां बनती हैं, जैसे अपने एलपीजी आता है वैसे बायोगैस आता है। अब ये बनेगा कैसे, देखो बेटा, गोबर में पूरा तो गाय डाइजेस्ट नहीं कर लेती ना जो वो चारा खाती है, तो अनडाइजेस्टेड सेलुलोस वगैरह पड़ा हुआ होता है गोबर के अंदर। इसके अंदर देखो गाय के स्टमक में, अच्छा तुम्हें पता है गाय सेलुलोज कैसे डाइजेस्ट करती है, अपने आप नहीं वो डाइजेस्ट करती है, गाय के पास हेल्प होती है। गाय के स्टमक के अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं जो कि सेलुलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इन बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेन का बहुत फेमस एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम, ये नाम याद करना, मिथेनो बैक्टीरियम। आपको ये जानना है, भगवान के लिए आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइव करता है ना तो वो एनएरोबिक होता है, ठीक है। सो इट्स इज एनएरोबिक बेसिकली। तो बेटा इस गोबर में सेल्युलोज है प्लस मिथेनो बैक्टीरियम नाम का बैक्टीरिया है, मिथेनो बैक्टीरियम है, मिथेनो बैक्टीरियम है, ये रहा मिथेनो बैक्टीरियम, ठीक है। ये अनडाइजेस्टेड सेलुलोस है गोबर में। तो बेसिकली अपन ने बायोगैस प्लांट में क्या करना है, इस गोबर को और इस मिथेनोबैक्टीरियम को थोड़े समय का परमाणु
पल दो पल का साथ देना है पप्पी लेने के लिए। मिथानोबैक्टीरियम बाकी के बचे हुए सेलुलोज को तोड़ के बहुत सारी मीथेन रिलीज कर देगा, जिसको हम पकड़ के फ्यूल के रूप में यूज़ कर लेंगे। ये है पूरा बायोगैस का, बायोगैस प्लांट का सिस्टम। समझ में आया क्या करना है अपने? गोबर को लेना है, ठीक है, उसको ऐसे बायोगैस प्लांट में डालना है, बस उसको थोड़े दिन छोड़ देना है, महीना दो महीना, आराम से मिथानोबैक्टीरियम करेगा, गोबर को खाएगा, डाइजेस्ट करेगा और मीथेन निकालेगा। बस वो मीथेन पकड़ के अपने डाल देनी है, फ्यूल के रूप में यूज़ कर लेनी है। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बताओ। देखो कुछ ऐसा दिखता है गोबर गैस प्लांट, है ना। अरे कहाँ है यार, बड़ी अच्छी वीडियो थी, कहाँ गई मेरी गोबर गैस की वीडियो? बच्चों वो तो मैंने उड़ा दी लगता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं गोबर गैस प्लांट में। देखो ज़मीन से नीचे गड्ढा कर लो बच्चों, ये ज़मीन है, ज़मीन से नीचे गड्ढा कर लो कम से कम 10 से 15 फीट का, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 to 15 feet ऐसा NCERT कह रही है भैया, मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रही हूँ, गड्ढा कर लो तुम्हें कहा गया है तो। फिर एक जगह एक पिट रखो जिसमें डंग प्लस वाटर रखो, गोबर लो उसमें पानी मिलाओ, बढ़िया होमोजीनियस मिक्सचर बनाओ, घोल ऐसे हलवे की तरह, ठीक है। फिर ये इसमें फीड कर दो, इसमें फीड कर दो, यहाँ ये गोबर प्लस वाटर का घोल पड़ा हुआ है, इसमें मिथानोबैक्टीरियम है। दे विल कीप ऑन डाइजेस्टिंग दिस सेल्युलोज एंड दे विल कीप ऑन रिलीजिंग गैसेज लाइक मीथेन, लाइक CO2, लाइक H2। गोबर गैस सिर्फ मीथेन नहीं होती, CO2 भी होता है, H2 भी होता है। दिस गैस विल बी कलेक्टेड बाय यहाँ पे ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इस डोम लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट हो जाती है गैस, और यहाँ से एक पाइप होती है जो कि गैस को टू द हाउसेस लेके चले जाते हैं। कुछ नहीं है, इससे सिंपल क्या होगा, गोबर पानी मिक्स होके CH4 CO2 गैसेस होती हैं, ये गैसेस यहाँ ट्रैप हो जाती हैं और बस फिर बाहर जो बचा हुआ पार्ट है। देखो ऐसा नहीं कि ये कुछ यूजलेस है, ये निकाल लो यूज। देखो सेलुलोज कभी तो ख़त्म होगा ना, उसमें पूरा डाइजेस्ट हो गया, लाओ निकाल लो, निकाल लो, इसको हम बोल देंगे स्लरी। अब तुम्हें क्या लगता है हम इसको जाने देंगे? ना हमने गाय को जाने दिया, ना हमने गाय के गोबर को जाने दिया, तुम्हें लगता है हम गाय के यूज्ड गोबर को जाने देंगे? कभी भी नहीं। इसको हम लेके जाएंगे टू द फील्ड्स, क्यों, मैन्योर के रूप में। फील्ड की स्पेलिंग क्यों गलत लग रही है? देखो देख रहा मेरी हालत क्या हो रखी है, फील्ड की स्पेलिंग गलत बेटा, FIELD। अब सही है, अब पता नहीं पहले सही थी पता नहीं अब सही है। ये लो फील्ड बना लो इसके, इसमें खाद का काम करेगी, मस्त कर लो। गोबर गैस का प्लांट समझ गए हो, बोलो। अच्छा इसमें एक और चीज याद करने की, क्वेश्चन क्या आ सकता है तुम लोगों को? बिल्कुल 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 मैन्योर के रूप में यूज होगा, बिल्कुल। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, बायोगैस के प्लांट जितने भी अपनी कंट्री में लगते हैं किसकी मदद से लगते हैं? तो बेटा दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपको जरा इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, IARI और KVIC। नीट का क्वेश्चन बनता है इसमें, न्यू दिल्ली में है, मेरे घर के आसपास है जहाँ मैं रहती हूँ ना, एक दिन विजिट करके आऊँगी, तुम लोगों को बताऊँगी क्या मज़े किए मैंने यहाँ पे, ठीक है। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन याद है, ये क्विज में शायद मैंने पूछा था तुम लोगों से, इनक्विजिटिव क्विज। अच्छा इनक्विजिटिव क्विज किस किसने देखा अभी तक?
गूगल पे टाइप करना रितु रत्तेवाल इनक्विजिटिव क्विज, जिसने नहीं देखा मज़े आ जाएंगे तुम्हें क्विज़ देख के, मस्त क्विज़ है वो। और ऐसे बड़े सारे क्विज़ेस मैं आगे बनाऊंगी, लाइव स्टूडेंट्स रखते हैं उसमें, जैसे मैं होती हूँ और मेरे पास चार स्टूडेंट्स होते हैं और फिर मैं उनसे रैपिडली क्वेश्चंस पूछती हूँ, तुम बताओ, इस तरीके से बहुत मज़े आते हैं। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए वो क्विज़ आप लोग देखिए, पहले समझिए, उसके नीचे कमेंट डालिए कुछ ना कुछ, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्विज़ का, और जब भी मैं करूँगी मैं अनाउंस कर दूँगी, ठीक है, नेक्स्ट क्विज़ कब होगा। इसका फुल फॉर्म पूछा था शायद मैंने उस क्विज़ में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। एक तो खादी इंडस्ट्रीज़ और विलेज इंडस्ट्रीज़ का कौन सा आयोग है, KVIC, इसकी मदद से बायोगैस प्लांट्स लगते हैं इंडिया में। बस ख़त्म, बायोगैस ख़त्म, आगे आ जाओ। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, तुम्हें समझ में आ रहा है, चैप्टर होने वाला है हमारा ख़त्म। बायो कंट्रोल एजेंट बताया था मैंने, एक ऑर्गेनिज्म है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, कल्प्रेट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो मेरे को नहीं अच्छा लगता। अब मैं इसे खुद मारूं, उससे अच्छा मैं किसी के कंधे पे तलवार रख के, बंदूक रख के चलाऊं, मैं इसके पीछे कोई और ऑर्गेनिज्म छोड़ दूं जो इसको खा जाए। ये मेरा सिपाही है, सोल्जर, ठीक है, ये मैं हूं जो खुश हो रही हूं इस सारे ये मैं हूं या जो भी है, ठीक है। तो ये सोल्जर जो है ये इसको बायो कंट्रोल एजेंट बोलेंगे। देखो बायो कंट्रोल एजेंट्स बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये सारे माइक्रोब्स ही होते हैं, ठीक है, कल्प्रिट भी कोई भी हो सकता है। समझ में आया बायो कंट्रोल एजेंट का रोल क्या है, क्या सीन क्या है? किसी एक ऑर्गेनिज्म से हम कंट्रोल करवाएंगे किसी और ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन। देखो यार, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, आप पेस्ट को कंट्रोल करते हो लेकिन आप पेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते हो। पेस्ट होता है कोई भी हार्मफुल एनिमल, पेस्ट इज एन एनिमल हार्मफुल टू क्रॉप्स। देखो पेस्ट और पैथोजन में क्या फर्क है, ये क्लियर नहीं है शायद आप लोगों को कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं मैं बताती हूँ। पैथोजन क्या होता है, अ माइक्रोब विच कॉजेज डिजीज, अब तुम कहोगे एनिमल और माइक्रोब में, मैम बेटा एनिमेलिया के मेंबर्स को, एनिमल कहेंगे किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स को, मोनेरा के मेंबर को, फंगस के मेंबर को, माइक्रोब्स कहेंगे जो माइक्रोस्कोपिक है। तो बेटा बहुत सारे पेस्ट और पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सारे माइक्रोब्स हो, जैसे तुम्हारी NCERT में एक एग्जांपल दिया हुआ है लेडी बर्ड बीटल का। लेडी बर्ड बीटल खाती है, इट्स अ बायो कंट्रोल एजेंट लेडी बर्ड बीटल, स्पेशल एजेंट होता नहीं, स्पेशल एजेंट राघव ने आज इतने आतंकवादियों को मार गिराया, तो ये भी स्पेशल एजेंट है, बायो कंट्रोल एजेंट लेडी बर्ड बीटल। कहाँ लिखूँ, ये लिखूँ लेडी बर्ड बीटल, देखो कितनी प्यारी सी लगती है, किसको खाती है ये, एफिड को खाती है, ये एफिड नाम के पेस्ट को, गंदा होता है एफिड, बहुत सारी तुम स्ट्रैटेजीज इन फूड एनहांसमेंट में पढ़ोगे, बहुत सारे क्रॉप्स को खाता होता है एफिड, गंदा होता है, ठीक है, पढ़ाऊंगी एफिड के बारे में भी, सब पढ़ाऊंगी। देन ये देखते हो हेलीकॉप्टर बोलते हैं जिससे आप, कौन है ये, ड्रैगन फ्लाई, तुमने देखा है गर्मियों में बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे पार्क में, उनके सिर के ऊपर मच्छरों का झुंड होता है और उसके ऊपर ड्रैगन फ्लाई होती है, क्यों, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई खाती है मॉस्किटोस को। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ये बायो कंट्रोल एजेंट्स है पर ये माइक्रोब्स नहीं है, तो ये तो जस्ट NCERT ने एग्जाम्पल दिया हुआ है। माइक्रोब्स में अगर आप बात करोगे बायो कंट्रोल एजेंट के, तो आप दो तीन बातें कर सकते हो। देखो तुमने बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस का नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा बेटा, ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है, याद है, ये बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया है के अंदर एक जीन होता है, देयर इज अ जीन विच इज कॉल्ड क्रायोजीन,
दिस क्रायोजीन मेक्स अ प्रोटीन, मेक्स अ प्रोटीन विच इज इनएक्टिव प्रोटीन. दैट प्रोटीन इज एक्चुअली टॉक्सिक. तो दिस इज एन इनएक्टिव टॉक्सिन, इसको बोलते हैं क्राय प्रोटीन. याद है? नहीं याद तो भी जान लो. तो बेटा अपन ने बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ा है कि अपन ये जीन काट के अपन कॉटन के अंदर डाल देते हैं, है ना. तो कॉटन के अंदर भी ये प्रोटीन प्रोड्यूस होने लगता है. तो होता क्या है, जब भी कोई मान लो बॉल वॉर्म है, बॉल वॉर्म कॉटन को खाने आ रहा है, तो कॉटन को खाया, कॉटन का एक सेल खाया, तो बॉल वॉर्म की बॉडी के अंदर जाके ये टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है और बॉल वॉर्म को मार देता है. सिमिलरली मान लो इस बैक्टीरिया को किसी ने खाया, ये बॉल वॉर्म आया बेचारा बेवकूफ, बॉल वॉर्म इस बैक्टीरिया को खाने लगा. मान लो ये बॉल वॉर्म है, इस बैक्टीरिया को खाया, तो बेटा ये इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फोरगट है, ये मिडगट है, ये हाइंडगट है. तो क्या होता है, बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन बैक्टीरिया बड़ा रिवेंजफुल टाइप्स है कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे, काइंड ऑफ बैक्टीरिया है. तो ये क्या होता है, इसका टॉक्सिन चला जाता है बॉलवॉर्म के गट में और इसकी मिडगट में जाके ये एक्टिव हो जाता है. क्यों? मिडगट का एल्कलाइन पीएच है, एल्कलाइन पीएच से एक्टिव हो गया और फिर ये मिडगट के अंदर छेद कर देता है, परफोरेशन कर देता है. परफोरेशन होने से बॉलवॉर्म मर गया. ठीक है, तो हम बड़ा फायदा उठाते हैं बैसिलस थुरिंजियनेसिस का यार. इसका जीन काट के किसी और प्लांट में डाल देते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से. फिर क्या होता है, वो प्लांट भी ये प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगता है. अब उस प्लांट के सेल को यदि बॉलवॉर्म खाएगा तो भी बॉलवॉर्म मर जाएगा. ठीक है, टोमेटो में भी इसका जीन डाला हुआ है, पोटैटो में भी इसका जीन डाला हुआ है. तुम सोचोगे मैम टोमेटो पोटैटो तो हम भी खाते हैं, एल्कलाइन पीएच तो हमारे गट का भी है, तो हमें क्यों नहीं मार देता ये. बेटा बहुत लिमिटेड स्पेक्ट्रम है, इसको सबको नहीं मारता ये. फ्लाइज को मारता है, मस्कीटोज को मारता है, बॉल वॉर्म्स को मारता है, बीटल्स को मारता है, हमें नहीं मारता. बर्ड्स को नहीं मारता, मैमल्स को नहीं मारता, समझ रहे हो. तो अपा क्या करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट में, मान लो इस क्रॉप को, वो तो खैर बायोटेक्नोलॉजी है ना, जहाँ पे उसका जीन काट के डाला है वो तो बायोटेक्नोलॉजी है, पर यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट में हम जीन नहीं काटेंगे, हम क्या करेंगे. मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, सीधा ये बैसिलस थुरिंजियनेसिस का पैकेट है, इसके अंदर बैक्टीरिया पड़ा हुआ है. ठीक है, मैं इसको ग्लास में लूँगी या जिस भी कंटेनर में, बैक्टीरिया का पैकेट काटो, घोलो और लगा लो, बैक्टीरिया का पैकेट काटूंगी और ये बैक्टीरिया इसमें डाल दूंगी. इसको पानी में मिक्स करूंगी, इसको पानी में मिक्स करूंगी और इसके ऊपर डाल दूंगी, तो बैक्टीरिया यहाँ लग गया, जैसे फर्टिलाइजर छिड़कते हैं वैसे लग गया. अब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस पत्ते को खाएगा तो वो मर जाएगा. तो इस प्रकार से बायो कंट्रोल एजेंट का काम करता है, सिंपली बैसिलस थुरिंजियनेसिस को काटो, घोलो और छिड़का दो और प्लांट को बचा लो. बायोटेक्नोलॉजी का ज़्यादा स्यापा है, जीन काटो डालो, उससे अच्छा सीधा ही बैक्टीरिया को इसके ऊपर छिड़क दो ना. समझा बायोटेक्नोलॉजिकल एजेंट कैसा है, समझ रहे हो बायोटेक्नोलॉजिकल बायो कंट्रोल. अरे बायो कंट्रोल एजेंट समझे हो कैसे है, समझ में आया. और बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन कौन से हैं, देखो दूसरा एग्जांपल. देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता रहता है कि मैम आपसे पूरा सिलेबस कैसे पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है. मेरा पूरा सिलेबस मैं सिर्फ अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाती हूँ, ठीक है. वहाँ पे पूरा शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, प्लस वन का, प्लस टू का, ड्रॉपर्स का, सबका कोर्स चलता है. वहाँ पे मैं आपके डाउट्स लेती हूँ, आपसे बात करती हूँ, आपके क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, आपको क्विजेस देती हूँ, पूरी नीट की तैयारी आप लोगों को कराती हूँ. जब भी आपका बैच शुरू होने वाला है नया 4 या 5 जून से, प्लस वन वालों का, प्लस टू वालों का और ड्रॉपर वालों का, तो अपना एडमिशन लेके रख लो. बच्चे बैच में ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं एडमिशन नहीं लूँगी. उसके बाद क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है नीट 2020 का. जब भी एडमिशन लेने जाओ कोड ज़रूर डाल देना RITU, ऋतु, ठीक
ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है एडमिशन लेने में, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर लो। अगर ये नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, @ रितुलाइव। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई है, जितना बच्चा क्वेरी दे रहा है। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स में अगला एग्जाम्पल चलो, ट्राइकोडर्मा का एग्जाम्पल, और तीसरा एग्जाम्पल है बैक्यूलो वायरस। बस खत्म। बैक्यूलो वायरस, ट्राइकोडर्मा का क्या एग्जाम्पल है तुम्हें पता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तुम अभी पढ़ के हटे हो, फंगस होती है, याद है? साइक्लोस्पोरिन जिससे बनाया था हमने, है ना, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग बनाई थी, वैसे ही फंगस है, उसी जीनस का है। ट्राइकोडर्मा कभी भी प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट नहीं होता, नहीं। ट्राइकोडर्मा सॉयल में वैसे ही उगता रहता है, ये फंगस है तो फंगस के हाइफा हो गए, ट्राइकोडर्मा ही रहा, कभी भी रूट के साथ एसोसिएट नहीं होगा, ऐसे सॉयल में उगता रहेगा ट्राइकोडर्मा, ऐसे उगता रहेगा। इसका काम क्या होता है ट्राइकोडर्मा का? ये रूट में कोई और पैथोजन नहीं लगने देता, प्रोटेक्ट्स रूट्स फ्रॉम अदर सॉयल पैथोजन। समझे कैसे बायो कंट्रोल एजेंट है? रूट के साथ नहीं एसोसिएटेड है, लेकिन इसको हम ट्राइकोडर्मा के कुछ डाल दो, पाउडर छिड़क दो ट्राइकोडर्मा का, वहाँ पे ये फंगस उग जाएगा, उससे क्या है आपकी क्रॉप्स की रूट को प्रोटेक्ट करेगा ये और पैथोजन से, बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। ठीक है, याद, नाम याद रखना है ट्राइकोडर्मा। देन बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरस एक बड़ी फैमिली ऑफ वायरस है जिसको हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस बोलते हैं। सॉरी इतने गंदे नाम के लिए, पर मैंने रखा नहीं है, पॉलीहेड्रो वायरसेस। ठीक है, ये बेटा ये वायरस बिल्कुल नैरो स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब समझे हो, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करके उनको मारता है। तो मान लो आपको वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मारना है, और कोई पेस्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा बैक्यूलो वायरस छिड़क दो तो वो पेस्ट को मार देता है, बर्ड्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, नॉट हार्मफुल टू बर्ड्स, बर्ड्स ह्यूमंस मैमल्स एटसेट्रा। तो कहीं पे भी तुम्हें कोई दिक्कत आ रही हो, कोई पेस्ट परेशान कर रहा हो, देखो कि बैक्यूलो वायरस से मर जाता है, अच्छा मर जाता है, लो उसके ऊपर बैक्यूलो वायरस थोड़ा छिड़क दो। कौन कौन बैक्यूलो वायरस से मरते हैं उसको स्पेसिफिकली नहीं पढ़ने की जरूरत है, बायो कंट्रोल एजेंट खत्म। कौन कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट किया है रिवाइज कर लो। लेडी बर्ड बीटल एफिड को खाती है पर वो माइक्रोब नहीं है, बायो कंट्रोल एजेंट तो है। ड्रैगन फ्लाई मस्कीटो को खाती है पर बायो कंट्रोल एजेंट है लेकिन माइक्रोब नहीं है, बायो कंट्रोल एजेंट तो है ही है, लेडी बर्ड भी है ही है, ड्रैगन फ्लाई भी है ही है। जो माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट हैं वो कौन कौन से हैं? पहला बैसिलस थ्यूरेंजिनसिस, उसका पैकेट खोलो, पानी में घोलो और लो छिड़क दो। बैसिलस थ्यूरेंजिनसिस किस किस के ऊपर अटैक करता है ये मैंने आपको बताया नहीं है। देखो तीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपकी एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी में दिया हुआ है, इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ। तीन ग्रुप के ऊपर अटैक करता है बैसिलस थ्यूरेंजिनसिस, लेपिडोप्टेरेंस, डायप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस। ये मैं बायोटेक्नोलॉजी वाली नॉलेज यहाँ पे घुसा रही हूँ, पर आ तो सकते हैं ना, बैसिलस थ्यूरेंजिनसिस इस तीन ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। देखो कोलियोप्टेरेंस, देखो हमारे हरियाणवी में ना कटोरी को, बाउल को कोली बोलते हैं, कोली जिसमें हम सब्जी डालते हैं, तो मैं हमेशा ऐसे याद करती हूँ कि कोली के अंदर बीटल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे बीटल्स पड़े हुए हैं, तो कोलियोप्टेरन में बीटल्स आता है तो बीटल्स को भी मारती है ये बैसिलस थ्यूरेंजिनसिस। डायप्टेरन डायपर से याद करती हूँ मैं, कौन डायपर लगा के घूमता है, मैं इमेजिन करती हूँ कि ये जो मक्खियां घूम रही हैं सब ने डायपर लगाया हुआ है, ये जो मच्छर घूम रहे हैं सब ने डायपर लगाया हुआ है। तो डायप्टेरन्स में हाउस फ्लाई और मस्कीटो आ गया, लेपिडोप्टेरन्स में आता है ये सब चीजें, अजीब अजीब से प्राणी,
बड़ा बड़ा नाम है लपेट लो बेटा, जिसमें लपेट लपेट के बड़े बड़े नाम दिए हुए हैं, वो लेपिडोप्टेरन है। ठीक है, पहला बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, सेकंड ट्राइकोडर्मा रूट को बचाता है, और थर्ड पॉलीहेड्रो बैक्यूलो वायरस, पॉलीहेड्रो वायरस वाला। खत्म बायो कंट्रोल एजेंट। चले लास्ट टॉपिक पे चले। जिसने वीडियो लाइक नहीं करा है, जरा लाइक साथ साथ में करते जाओ बेटा। बहुत खुशी, बहुत उत्साह, बहुत जोश भर जाता है। जब भी वीडियो पे लाइक कम आते हैं, मैं बहुत मायूस हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ यार मैंने वीडियो अच्छी नहीं बनाई। और जब भी वीडियो पे लाइक ज़्यादा आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और वीडियोज़ बनाने का मन करता है, बहुत उत्साह आता है। ठीक है, तबीयत सही भी नहीं होती तो भी बनाने का मन करता है फिर मेरा वीडियोस। सो लाइक बटन प्रेस हो जाना चाहिए और ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा तो भला हो ही गया, किसी और का भी भला करो, किसी और को भी पूरा चैप्टर पढ़ने का मौका दो। साथ साथ में शेयर करते जाओ ताकि लाइव सेशंस लोगों को देखने का मौका मिले। आखिरी बात, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। क्या है बायो फर्टिलाइजर? नॉर्मल फर्टिलाइजर नॉर्मल फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर। देखो नाम से पता चल रहा है, फर्टिलाइजर बेसिकली सॉयल की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, उसमें इम्पॉर्टेंट केमिकल्स डालेगा। जैसे नॉर्मल फर्टिलाइजर जनरली NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं, सॉयल में नाइट्रोजन डालते हैं, फॉस्फोरस डालते हैं और पोटेशियम डालते हैं, केमिकल्स होते हैं, कट्टों में भर के आते हैं, छिड़क दो। बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे माइक्रोब होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जवाहर जैव समथिंग, जवाहर बायो फर्टिलाइजर फॉर नॉन लेग्यूम्स, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया, एजोस्पाइरलम नाम का बैक्टीरिया। देखो ये बंदा क्या कर रहा है, ये उन बैक्टीरिया का मिक्सचर डाल रहा है। ठीक है, मिक्स कर रहा है अच्छे से, देखो क्या कर रहा है, देखते जाओ। और फिर ये अपनी क्रॉप्स में डाल रहा है उस मिक्सचर को। मतलब ये बंदा एजोटोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया को अपने क्रॉप्स पे छिड़क रहा है। क्यों? बिकॉज एजोटोबैक्टर इज अ बैक्टीरिया। तुम्हें पता है एटमोसफेयर में कितना नाइट्रोजन है, बहुत सारा नाइट्रोजन है, पर आपका प्लांट उसे यूज नहीं कर सकता जब तक कि वो अमोनिया के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाता। देखो एन, ये होता है N2, इसको कोई प्लांट यूज नहीं कर सकता जब तक कि ये NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। इसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जब माइक्रोब्स की मदद से, बहुत सारा माइक्रोब ये करता है, बहुत सारा माइक्रोब ये मदद करता है प्लांट्स को नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में देता है, तो हम इसको बोल देते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब माइक्रोब ऐसा कर रहा है। तो एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर दो बैक्टीरिया हैं जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऐसे एटमोसफियर से लेके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ईजी बात समझ में आ गई। अब ये दो प्रकार से हो सकता है बेटा, ये नॉन सिम्बायोटिक मतलब फ्री लिविंग भी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। मतलब समझे हो, प्लांट के साथ, मान लो एक कोई क्रॉप प्लांट है, ये क्रॉप प्लांट से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरलम है।
ये प्लांट को कुछ नहीं कहेगा जाके, ये प्लांट यहाँ पे आराम से, बैक्टीरिया आराम से, ये प्लांट की रूट है, बैक्टीरिया अलग ही है यहाँ पे, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अपना आराम से नाइट्रोजन को लेके अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, अमोनिया आगे फर्दर NO2 वगैरह में कन्वर्ट हो रही है, और NO2 वगैरह फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये बैक्टीरिया प्लांट की रूट से रिलेटेड तो नहीं है ना, बैक्टीरिया अपना काम कर रहा है, तो ये फ्री लिविंग है। तो बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे फ्री लिविंग होते हैं, अपना सॉयल में जाके काम करते रहते हैं, रूट से कोई लेना देना नहीं, रूट से कोई एसोसिएशन नहीं उनका। इसका एक एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। बहुत सारे फील्ड्स में, खासकर राइस फील्ड्स में, आप नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलिटोरिया, ऑसिलिटोरिया नामक ब्लू ग्रीन एल्गी को छिड़क देते हो ताकि वो नाइट्रोजन फिक्स कर सके। कैसे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं? देखो यार, ब्लू ग्रीन एल्गी और इस बैक्टीरिया में डिफरेंस है, ये नॉर्मल बैक्टीरिया, ये भी है तो बैक्टीरिया, पर ये साइनोबैक्टीरिया यार, ये फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं जनरली, ऐसे फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं बैक्टीरिया की, और इनमें एक स्पेशल सेल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ये भी नीट का क्वेश्चन है जिसे नहीं पता हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं इसको। तो बेटा ये हेटेरोसिस्ट से करते हैं, ये नॉर्मल बैक्टीरिया, इनके पास हेटेरोसिस्ट नहीं होता, ये फ्री लिविंग है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बहुत सारी होती हैं, जैसे कि सिम्बायोटिक आगे लिखा देते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह कम है वहां पे। सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर्स कौन कौन से? राइजोबियम का नाम सुना? राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में जाके सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और वहाँ से फिर नाइट्रोजन फिक्स करता है। देखो, सिम्बायोटिक का फायदा ये होता है कि बैक्टीरिया को प्लांट खाना देता है और बैक्टीरिया फिर प्लांट को नाइट्रोजन देता है, तो बैक्टीरिया को डायरेक्टली फायदा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देन आपने सुना है फ्रैंकिया का नाम सुना है? फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, खासकर एलनस, प्लांट का नाम एलनस। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, ये तो तुम्हें पता होने चाहिए, मतलब यार बायोलॉजी अगर तुम पढ़ रहे हो ना नीट के लिए, तो ये तो बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। बड़े सारे चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, ये तो तुम्हें आने ही चाहिए। माइक्रोब का प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, प्लांट को भी फायदा, माइक्रोब को भी फायदा। लेग्यूमिनस में राइजोबियम, नॉन लेग्यूमिनस में फ्रैंकिया, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? रूट के अंदर फंगस का एसोसिएशन, रूट के अंदर फंगस का एसोसिएशन ऐसे, और फंगस को भी फायदा, रूट को भी फायदा। क्या फायदा? देखो, फंगस बीमार नहीं करता रूट को, पहली बात तो फंगस का हाइफा बहुत ज्यादा, कई किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होता है इसका, सरफेस एरिया होता है, बहुत पतला पतला हाइफा होता है फंगस का, तो यहां से मिनरल एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। मिनरल एब्जॉर्प्शन इतना तो रूट हेयर नहीं कर पाते जितना ये फंगल हाइफा कर लेता है, खासकर फॉस्फोरस बहुत तरह के तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर और मिनरल्स, लेकिन खासकर फॉस्फोरस। तो फंगस ने प्लांट को फायदा दे दिया कि भैया मैं ज़्यादा मिनरल एब्जॉर्प्शन कर रहा हूँ। प्लांट क्या फायदा देगा फंगस को? प्लांट इसको ग्लूकोज देगा, खाना बना के देगा, तो प्लांट फंगस को खाना दे रहा है, फंगस उसको एब्जॉर्ब करके दे रहा है। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है पाइनस, पाइन का पेड़। यदि तुम उसको बिल्कुल स्टेराइल मिट्टी में उगाने की कोशिश करो जहाँ फंगस ना हो, तो पाइन का पेड़ उग नहीं पाता, उसको चाहिए ही चाहिए माइकोराइजा। माइकोराइजा बनाने वाला एक फेमस फंगस है ग्लोमस, ये NCERT में दिया हुआ है। ठीक
ठीक है जी, ये आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया हो पढ़ने में मेरे साथ। आई होप ये चैप्टर बहुत क्लियर हो गया हो। आई होप अब इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम गलत करके आओगे। हर क्वेश्चन तुम्हारा सही होना चाहिए। ये क्लास देखने के बाद एक बार बस NCERT पढ़ लो और इसके क्वेश्चंस लगा लो, कहीं से किसी भी अच्छी बुक से क्वेश्चंस लगा लो और इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो एक बार। ये चैप्टर तुम्हारा प्रिपेयर हो जाएगा। आई एम इन क्लास 10, शुड आई वॉच दिस? यू कैन वॉच दिस, दिस इज़ फॉर एवरीबडी, इवन पेरेंट्स शुड वॉच दिस। जो लॉकडाउन में टाइम बर्बाद हो रहा है, आराम से देखो, नॉलेज बढ़ाओ अपनी। चलिए, माइकोराइजा तो ये एसोसिएशन है बेटा, माइकोराइजा तो ये एसोसिएशन को बोलते हैं। ग्लोमस, ये जो फंगल पार्टनर है ना, फंगल पार्टनर है ना, उसका एग्जाम्पल है ग्लोमस। तो ग्लोमस एक फंगल पार्टनर है जो माइकोराइजा बनाता है। माइकोराइजा इज दिस एसोसिएशन, ये एसोसिएशन है जो ये माइकोराइजा है। समझ में आ गया बेटा? वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आगे फैला दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे तो कोड ज़रूर डाल देना, रितु रितु रितु, RITU, एक ही बार रितु, एक ही बार, तीन बार तो मैंने बस ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए दिया था। चलो, आई विल सी यू, और देखते हैं और किसकी। अच्छा 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 हाँ, आज सॉरी, इकोलॉजी का क्रैश कोर्स है आज। सब बच्चों के लिए फ्री क्रैश कोर्स है, इकोलॉजी का फ्री क्रैश कोर्स है, ठीक है, आज रात को 8 बजे। जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, जान लो, यू हैव फ्री क्रैश कोर्स फॉर इकोलॉजी, चाहे आप प्लस के हों चाहे आप नहीं हों, पर वो क्रैश कोर्स यूट्यूब पे नहीं होगा, ठीक है। वो क्रैश कोर्स आपको अनअकैडमी की ऐप पे जाना पड़ेगा, वहाँ मेरा क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, इकोलॉजी का फ्री क्रैश कोर्स 8 बजे। क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। मैं बता देती हूँ क्रैश कोर्स पे कैसे जाना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है, इस पे गेट सब्सक्रिप्शन पे नहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो फ्री है आपके लिए। वहां पे सर्च बटन है, ऐसे सर्च बटन दिखाएगा, वहां टाइप करना है रितु रतिवाल, तो मेरी प्रोफाइल आ जाती है। मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करना, तो प्रोफाइल के नीचे यहाँ पे दो प्रकार की क्लासेस दिखाएगा। ये आपके कोर्सेज दिखाएगा, ये जो कोर्सेज हैं, ये जो कोर्सेज हैं, ये प्लस वाले बच्चों के लिए, ये सब नहीं खोल सकते, लेकिन यहाँ पे दिखाएगा स्पेशल क्लास, ये सब बच्चों के लिए, ये फ्री फॉर ऑल है। तो आप स्पेशल क्लासेस में चले जाना, या फिर आप सीधा सीधा सा, आपको मैं हिसाब बताती हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो @ritulive पे, या फिर नीट प्लेसिबो लिखो तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं लिंक भेजूंगी थोड़ी देर में क्लास का, उस लिंक पे क्लिक करना, सीधा ही पहुँच जाओगे क्लास में। अगर लिंक पे नहीं जा पा रहे हो, अगर आप अभी तक ऐड नहीं हो रहे हो टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप इस तरीके से स्पेशल क्लास में आ सकते हैं। क्रैश कोर्स है इकोलॉजी का, मिस मत करना, ठीक है। और आज तुम लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, रात को 10 बजे एक नया कोर्स चला रहे हैं प्लस वन के लिए, ठीक है, प्लस वन के लिए बच्चों के लिए एक नया कोर्स चलाएंगे यूट्यूब पे, आज रात को अनाउंसमेंट करूंगी। ओके, आई विल सी यू, बाय।